Hi everyone, good afternoon. Welcome to an academy. Can you all hear me properly? हाँ सुनाई दे रहा है. अरे मैं कहाँ चली गई? Where am I? Okay. Yes. हाँ जी बेटा आ जाइए सो वेलकम टू एन अकेडमी मेरा नाम है सीप पाउजा एंड यस yes, आप किधर देख रहे हैं इसको इधर देख रहे होंगे है ना नाम बच्चों आपको पता ही है तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं अंत की कितनी बढ़िया चीज है यार अंत की शुरुआत कर रहे हैं किसका अंत होने वाला है प्लांट फिजियोलॉजी का अंत होने वाला है एंड उस अंत की शुरुआत होती है लास्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या नाम है चैप्टर का प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अभी तक हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कर लिया फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से कर लिया एंड देन मिनरल न्यूट्रिशन एंड देन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का फिफ्थ लेक्चर मैंने कहां पर दिया था कहाँ पर दिया था बेटा फिफ्थ फोर्थ लेक्चर मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दिया था क्योंकि उस दिन हमारा इंटरनेट थोड़ा सा परेशान कर रहा था कल भी परेशान कर रहा था होपफुली आज नहीं करेगा जस्ट फिंगर क्रॉस है ना कल हमने बहुत काले टीके लगाए बहुत सारी नींबू मिर्ची लगाई हमारे सेशंस को यार नजर लग गई है कोई कॉन्स्टेंटली नजर गड़ाए रखा है तो हमारे सेशंस को लग गई थी थोड़ी सी नजर लेकिन उस नजर से हम लोग बचा के ले आए हैं ना आज मेरे ख्याल से मोस्ट ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए तो यार आज अंत की शुरुआत करते हैं विद लास्ट चैप्टर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और जब बेटा खत्म होगा आई टू सी योर सजेशन लगेंगे मतलब इस हफ्ते हफ्ते के अंदर अपने लोग निपटा देंगे मंडे से हम लोग एक नया चैप्टर लेके आएंगे नया यूनिट लेकर आएंगे तो आप मुझे बताइएगा आप क्या पढ़ना चाहते हैं यू वॉन्ट डू जेनेटिक्स इकोलॉजी तो मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि वो मैं प्लस में शुरू करा रही हूँ ठीक है और कोई भी और नया यूनिट इलेवंथ का ट्वेल्थ का एक्सेप्ट इकोलॉजी क्योंकि वो हम साइमल्टेनियसली नहीं करते सेम चीज हम नहीं करते हैं हम डिफरेंट चीज हमेशा करते हैं ठीक है जी चलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी बेटा ये तो मैंने पता नहीं कितनी बारी पढ़ा दी है बट मैं फिर भी दोबारा पढ़ाऊंगी बट अगर तुम्हारा मन करता है कि मैम अभी ह्यूमन फिजियो मुझे पढ़ना है तो आप लोग यार जाओ मेरे लिंक ट्री से यार्लैश सीप डॉट पाहुजा बहुत आसान है बेटा कहीं भी मुझे सर्च करना है ना सीप पाहूजा सीप डॉट पाहुजा सीप पाहूजा बाई दे जी बस ये तीन ही नाम है इस नाम से ढूंढोगे तुम्हें मिल जाऊंगी बहुत आसानी से मिल जाऊंगी अच्छा तो जो मैंने आपको लास्ट

किस किस ने करा किस किस ने करा फटाफट से मुझे सेशन को लाइक करके बता दो जिसने कर लिया है और बाकी बच्चे मुझे कमेंट्स में बताएंगे आई लुकिंग एट योर कमेंट्स किसने वो दो या तीन क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो सॉल्व कर लिए बताइए यस बता दो किसने सॉल्व किया हाँ थ्री क्वेश्चन थे तीन थ्री थे बताओ 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 यस फटाफट से सेशन को लाइक करके बताओ आई एम लुकिंग एट द नंबर हाँ आई एम लुकिंग एट द नंबर यस yes, बेटा बाकी बच्चों के लिए क्या बेटा अलग से मुहूर्त निकलेगा आपके लिए पंडित जी आएंगे पंडित जी आएंगे तो उसको सॉल्व करेंगे है ना पंडित जी आएंगे और पहले हवन होगा हवन होने के बाद आप शुभ मुहूर्त की घड़ी निकलेगी फिर उस शुभ मुहूर्त में जाकर उस सेशन को देखेंगे फिर उसके नोट्स बनाएंगे फिर एक और शुभ मुहूर्त की घड़ी निकलेगी जिसमें आप वो तीन तीन सवाल सॉल्व करेंगे थ्री क्वेश्चन के लिए बेटा मतलब इतना तुम वो करा दे रहे हो रवा दे रहे यस बेटा लक्ष्य बैच के बारे में लक्ष्य बैच में पूछिए क्या नाम है लथा जी ठीक है लता लक्ष्य बैच में शाम को सवा छह बजे मेरी प्लस क्लास होती है एवरी डे उसमें आगे पूछिए बेटा प्लस की बातें मैं वही करती हूँ है ना यहाँ पर हम सिर्फ यूट्यूब की बातें करते हैं तो यार ठीक है पंडित जी पहुंचे नहीं है अच्छा ठीक है ठीक है कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम हमारे घर ना पंडित जी आए नहीं है इसीलिए हमने वो सेशन देखा ही नहीं है तो देखा ही नहीं है तो हम कैसे मतलब अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ठीक है बेटा जब आपके घर पंडित जी आएंगे फिर आप सेशन देखेंगे फिर आप उसके सवाल निकालेंगे बेटा तब तक जो रेलगाड़ी है ना जो रेलगाड़ी है किसकी नीट की गाड़ी है वो निकल चुकी होगी बेटा तुम वो करीना कपूर तो हो नहीं जब भी मैट की कि मैं ना हर गाड़ी दौड़ के पकड़ती हूँ बेटा करीना कपूर तो हीरोइन थी उस मूवी की हीरोइन को तो वो दौड़वा के भी गाड़ी पकड़वा देंगे बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता बेटा चलती हुई गाड़ी स्पीड पता है कितनी तेज हो जाती है धीरे 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 करके द गाड़ी विल नॉट कीप ऑन मूविंग एट द सेम स्पीड गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है बेटा और आप तो करीना कपूर नहीं है कि गाड़ी थोड़ी स्लो करके तुम्हें अंदर घुसवा देंगे या वहां पर शाहिद कपूर खड़े होंगे और आपको ले लेंगे नहीं ये मूवीज में होता है नीट की लाइफ में ऐसा नहीं होता है गाड़ी डबल स्पीड से चल रही है और वहां पे कोई खींचने वाला नहीं होगा बेटा धक्का लगाने वाला होगा फेंक देगा तुम्हें तुम अगर पहुंच भी जाओगे ना गेट तक गाड़ी के गेट तक पहुंच जाओगे पीपल वुड बी देर टू पुश यू अवे वो तुम्हें नीचे गिर देंगे ठीक है तो इसीलिए गाड़ी छुक छुक करके जा रही है लोग उस गाड़ी में बैठे हैं तुम दौड़ते रहो पीछे दौड़ते रहो और अगर बाय चांस तुम पहुंच भी गए तो तुम्हें बेटा ये इतनी अठारह लाख की जनता है ज्यादा थोड़ा है अठारह लाख की जनता इस साल बीस लाख हो जाएगा बीस लाख लोग जब मिलके तुम्हें धक्का लगाएंगे तो तुम गिर ही जाओगे है ना बेटा तो उस दिन शुभ घड़ी जब आएगी तब आप कर लीजिएगा बहुत बढ़िया बात है ओके जी हाँ जी <coughs> हाँ ये जो बच्चे मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं बेटा रोज होंगे ही होंगे दिस इज दिस इज द एपिक रिप्लाई दैट यू गिव मी कि अभी हमारा मुहूर्त नहीं निकला ठीक है बेटा कोई बात नहीं आप उस गाड़ी में चढ़ने लायक है ही नहीं

पके पकाई चीजें बने बनाए नोट्स आपको कभी यू you नो know, उस लेवल पे नहीं पहुंचा सकते इसलिए नोट्स क्लास के दौरान बनाने क्लास के बाद नहीं बनाने और क्लास लगाना अति 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 आवश्यक है अगर कोई तुमसे बोल रहा है ना कि इस समय क्लास लगाना छोड़ दो और सिर्फ प्रैक्टिस करो वो गलत बात बता रहा है ये उसके लिए वैलिड है जिसने पूरा डेढ़ साल पहले पूरा रट लिया अच्छे से ये उसके लिए बेटा वो स्टेटमेंट वैलिड है तुम्हारे लिए नहीं है तुमने रटा नहीं तुम्हें कुछ नहीं आता तुम ये सोच के चलो तुम्हें कुछ नहीं आता ठीक है जी तो जो जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है वो अपने आप मॉक टेस्ट लगा रहा है लेकिन यार जिसको अपनी थ्योरी में कॉन्फिडेंस नहीं है कैसे तुम अकेले सवाल निकालोगे तो अभी एक बैलेंस बना के चलते हैं एक दो महीने थोड़ा थ्योरी पे भी फोकस करते हैं वंस विल रीच फेब्री वंस वील रीच मार्च देन वी विल शिफ्ट आर एंटायर फोकस ओवर देयर अभी भी हमें प्रैक्टिस करनी है लेकिन इसको नेग्लेक्ट करके नहीं करनी है थ्योरी क्लास को छोड़ के प्रैक्टिस नहीं होती बेटा इसके साथ-साथ प्रैक्टिस होती है समझे समझे बच्चों <laughs> जी, चलो फटाफट से सेशन को लाइक कर दो नया चैप्टर शुरू करते हैं शुरुआत अच्छी होनी चाहिए हमारी हमारे पास तो यार कोई वो नहीं है क्या कहते हैं हम किसी पंडित जी को नहीं बुलाते हैं हम आ जाते हैं थोड़ा सा लेट आते हैं बट आ जाते हैं है ना जी किसी पंडित जी को नहीं बुलाते हैं हम ठीक है क्योंकि हमें पता है हमें अपनी गाड़ी की स्पीड खुद ही मेंटेन करनी पड़ेगी खुद ही मेंटेन करनी पड़ेगी ओके जी चलिए हाँ स्पेशल क्लास बेटा स्केड्यूल होने वाले एक बहुत अच्छे बच्चे ने मुझे याद करा दिया मैं नाम नहीं पढ़ पाई उस बच्चे का आज है सोलह तारीख आज डे क्या है आज डे क्या है आज है बेटा वेंसडे सैटरडे और संडे

तो फ्राइडे सैटरडे संडे लिंक मैं शेयर करूंगी अपने टेलीग्राम पे ठीक है वहां से आके ले लीजिएगा तो प्रैक्टिस बेटा साथ साथ मैं कराऊंगी तुम उसकी टेंशन मत लो बाकी मैंने तुम एक पीवाई क्यू की बुक तो खरीदने के लिए बोला ही है वो मस्ट है आपके लिए लेनी ओके जी चलिए शुरू करते हैं बेटा बिना देरी करे काफी बेटा तुमने मुझे ज्ञान दे दिया अब कॉपी खोल ली सबने आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बड़ा मजा आएगा करने में यस yes, कॉपी खोल ली एवरी वन विद योर कॉपीज विद योर पेन विद योर एनसीआर एंड ऑफकोर्स विद योर माइंड एंड ब्रेन ठीक है दिल घर पे छोड़ के आइए दिल क्लास के बाहर सिर्फ दिमाग को लेकर आइए दिल की जगह नहीं है ओके जी चलिए तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्रोथ होती क्या है आप देखते हैं कि हम सबसे पहले सॉइल के अंदर जब भी प्लांट ग्रो करने के लिए शुरुआत करते हैं तो हम एक बीज से शुरुआत करते हैं फिर बेटा इस बीज में से छोटी 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 रूट शूट चुट शुरू होती है हो, है सीडलिंग सीडलिंग बन जाता है। सीडलिंग बनने के बाद धीरे धीरे बेटा और ग्रोथ होती है फैलना शुरू कर देता है और अल्टीमेटली एक दिन वो बड़ा पौधा बन जाता है यानी कि प्लांट के अंदर भी साइज इंक्रीज हो रहा है कितने से बीज से इतना बड़ा ट्री बन गया प्लांट के अंदर भी सेल का नंबर बढ़ रहा है प्लांट बेटा अपनी लेंथ में इंक्रीज कर रहा है अपनी चौड़ाई में बढ़ा रहा है यानी कि ये सब चीजें पॉसिबल तभी हैं अगर प्लांट ग्रो कर रहा है तो इस चैप्टर में देख सकते हैं हम यहां पर ग्रोथ बात करेंगे और फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में बात आज तीन चीजों के बारे में टारगेट टारगेट फॉर टुडे वॉट इज ग्रोथ सेकेंड टारगेट फेजेस थर्ड टारगेट ग्रोथ रेट ओके जी चलिए शुरू करते हैं बेटा पहले टारगेट से टारगेट नंबर वन है हमारा वॉट इज ग्रोथ एक एक लाइन पे फोकस करेंगे क्योंकि हर लाइन में से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं हर लाइन में से कैसा भी क्वेश्चन बेटा यहाँ पर बन सकता है ग्रोथ क्या है बेटा एक इर पहला ही वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है एक इर चेंज है प्लांट में और बेटा एक परमानेंट इंक्रीज है

नहीं जा सकते ऐसा थोड़ा होगा बेटा कोई बच्चा था एक साल का एक साल के बाद वो पांच साल का हुआ अल्टीमेटली चार साल के बाद पांच साल का क्या पांच साल से वो सीधा एक साल का हो सकता है क्या एक साल का बच्चा फिर से एम्ब्रियो बन सकता है क्या वो एम्ब्रियो फिर से स्पर्म और ओवा बन सकता है नहीं बन सकता बिकॉज ग्रोथ कैसा है ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल इट इज नॉट अ टेम्पररी चेंज इट इज अ परमानेंट चेंज अब इस ग्रोथ में प्लांट की क्या क्या चीजें बढ़ रही है या ओवरऑल में बात करूं किसी की भी ग्रोथ की इस इरिवर्सिबल और परमानेंट चेंज में साइज इंक्रीज हो रहा है <coughs> वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है है ना साइज बढ़ रहा है प्लांट का साइज बढ़ रहा है वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है और बेटा उसका वजन भी बढ़ता जा रहा है वेट भी बढ़ रहा है अब ग्रोथ बेटा पूरे के पूरे सेल के बारे में बात कर सकते हो ऑर्गन के बारे में बात कर सकते हो या पूरे ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे तो सेम ही चीजें आएंगी तो क्या क्या देखा अभी हमने इट इज इवर्सिबल इट इज परमानेंट चेंज इन द साइज वॉल्यूम वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अभी ग्रोथ हो क्यों रही है कैसे एक सीड सीडलिंग कैसे एक सीडलिंग प्लांट पूरा का पूरा पेड़ बन जा रहा है क्योंकि बेटा नया मटीरियल आ रहा है नहीं तो ये कितना सा बीज कैसे इतना बड़ा बन जाएगा न्यू मटेरियल इज कॉन्स्टेंटली बीइंग एडेड अब दो जगह नया मटेरियल आता है या तो बेटा नया मटेरियल अंदर ही अंदर एड होता जा रहा है या फिर ये नया मटीरियल उसके ऊपर से आ रहा है यानी कि ग्रोथ दो तरीके से हो रही है देयर इज सिंथसिसंथसिस ऑफ न्यू मटेरियल नई चीजें बन रही है अब यार दो जगह बन सकती है नई चीजें दो जगह बन सकती है या तो बेटा विद इन द सेल बनेगी सेल के अंदर नई चीजें बनती जा रही है नया कार्बोहाइड्रेट एसिड प्रोटोप्लाज्म बढ़ता जा रहा है यानी कि इंट्रा सेल्युलर या फिर बेटा सेल के ऊपर सेल के ऊपर बेटा सामान ऐड होता जा रहा है आउटसाइड द सेल सामान ऐड होता जा रहा है दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेल्युलर ठीक है जी तो सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल होता है नया सामान बनता है सेल के अंदर या सेल के ऊपर उसकी वजह से ही अल्टीमेटली प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है ठीक है जी अभी जब ग्रोथ हो रही है जब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है आपने सुना नहीं यार कितनी ऐड आती है बॉर्नविटा की और वो बॉर्नविटा का कंपटीशन कौन है तूने कॉम्प्लेन नहीं पिया क्या या या कोई बच्चा बड़ा लंबा हो जाता है क्या बोलते हैं उसे स्कूल में तूने कॉम्प्लेन ज्यादा पी लिया था तो यार जब बॉर्नविटा और कॉम्प्लेन क्या डाती मैं आपको थोड़ा एनिमल से कंपेयर करके बता रही हूं वैसे प्लांट में हम हमने ग्रोथ पढ़नी है इस चैप्टर में प्लांट ही पढ़ना है हमने लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हॉर्लिक्स बॉर्नविटा कॉम ये सब क्या है ये कहते हैं कि बच्चे के ग्रोइंग एज में न्यूट्रिशन देना बड़ा जरूरी है यानी कि जब भी ग्रोथ हो रही होती है तो ग्रोइंग एज के अंदर सेल्स बड़ी तेजी से डिवाइड कर रहे होते हैं उनको खूब खाना चाहिए होता है बढ़िया टाइप का खाना चाहिए होता है मतलब जब पर्सन क्या कर रहा है ग्रो कर रहा है जब ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है उस वक्त मेटाबॉलिक रेट हाई होगा या स्लो होगा बताना जरा सोच के बताओ आंसर मैं दे चुकी हूं डिग्री ऑफ मेटाबॉलिज्म हाई होगा या फिर लो होगा बताएंगे बताएंगे फटाफट से डिग्री ऑफ मेटाबॉलिज्म हाई होगा या लो होगा बता दो फटाफट से यस yes. बताऊ तब तक सब बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे सब बच्चे दिमाग लगाएंगे डिग्री ऑफ मेटाबॉलिज्म बेटा क्या होगा हाई होगा बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं तभी बेटा वो चीज ग्रो करके जाएगी और जब बेटा ये केमिकल रिएक्शन होती है तुम्हें पता है दो तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है या तो क्या होता है एनाबॉलिज्म ठीक है या तो होता है एनाबॉलिज्म या फिर बच्चों क्या होता है कैटाबॉलिज्म अब ग्रोथ के वक्त इनमें से कौन सी चीज ज्यादा हो रही होती है कौन सी चीज बेटा ज्यादा हो रही होती है बताएंगे यस yes. ग्रोथ के वक्त इसमें से कौन सी चीज ज्यादा हो रही होती है यस yes, बेटा कम ऑन टेल में चीजें दोनों हो रही हैं, रिएक्शन दोनों हो रही है कैटाबोलिज्म जानते हो ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग एनाबोलिज्म जानते हो फॉर्मेशन ऑफ समथिंग ग्रोथ के वक्त दोनों चीजें हो रही हैं, बट वन टाइप ऑफ आर इन डोमिनेंट फेज वो ज्यादा हो रही है और वो कौन सी है बेटा एनाबोलिज्म एनाबोलिज्म ज्यादा हो रहा होता है तभी तो यार साइज बने बढ़ेगा क्योंकि सिंथिस हो रही है बहुत सारे सामान की सिंथिस हो रही है और सिंथिस की वजह से एनाबोलिज्म का जो डिग्री है वो क्या होगा ज्यादा होगा ठीक है जी यस yes. अच्छा अब असलियत में ग्रोथ किसको बोलते हैं असलियत वाली ग्रोथ के बारे में बात कर यानी कि रियल ग्रोथ प्लांट के केस में क्या है रियल ग्रोथ क्या है बेटा मान लो ये प्लांट का सेल है मान लें बताओ तुम तुम बताओ मान लें ये मान लीजिए प्लांट प्लांट की सेल वॉल है सेल वॉल के अंदर क्या होती है बेटा प्लाजो मेम्ब्रेन ठीक है जी अब प्लांट ने ग्रो किया असलियत में ग्रोथ तो क्या है कि इस प्लाजो मेम्ब्रेन के अंदर जितना माल मसाला है क्या है वो प्रोटोप्लाजम है क्या है प्रोटोप्लाजम प्रोटोप्लाजम का अमाउंट क्या कर रहा है ग्रो कर रहा है असली ग्रोथ तो ये है बच्चों कि अंदर का जो माल मसाला है वो बढ़ गया है अंदर का जो मटेरियल है वो बढ़ गया है यानी कि प्लांट का जो सेल का साइज है वो ऐसे हो गया ये असली ग्रोथ है ये बेटा आपकी असली ग्रोथ है ये देखिए यानी कि अंदर का जो साइटोप्लाज है अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो बढ़ गया है दिस इज रियल ग्रोथ फॉर प्लांट दैट द प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म ऑफ और और द द लिविंग सेल हैज इंक्रीज्ड ठीक है असली में तो बेटा प्लांट के लिए यही ग्रोथ हुई कि इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से प्लांट सेल का साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है बट बेटा क्या ये ग्रोथ तुम मेजर कर सकते हो इतना बड़ा ट्री है ट्री के अंदर चलो तुम तो एक पत्ती ले लो पत्ती को माइक्रोस्कोप के अंदर देख लो माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोपे तो, तो दिख जाएगा बट क्या सेल के अंदर का मसाला बढ़ रहा है कम हो रहा है कितना बढ़ रहा है या तो कैन कैन यू यू मेजर मेजर दिस दिस बताओ ये कैसी ग्रोथ है ये कैसी ग्रोथ है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ है प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है एक्चुअली में ग्रोथ यही है बच्चों एक्चुअली में सेल का सेल का प्रोटोप्लाज्म ही बढ़ रहा है पर तुम क्या मेजर कर सकते हो कि पत्ती के अंदर ऐसे दूरबीन लगा के माइक्रोस्कोप लगा के देख रहे हैं कि यार पहले इतना प्रोटोप्लाज्म था अब वो प्रोटोप्लाज्म बढ़ गया नहीं बेटा दिस इज नॉट इजी टू मेजर रियल ग्रोथ तो यही है बट दिस इज नॉट इजी टू मेजर इसको मापा नहीं जा सकता तो मापने के लिए हमने अलग पैरामीटर्स लगाए हैं कि यार तुम वेट देख लो उसका वॉल्यूम देख लो उसका हाइट देख लो उसकी ठीक है जी ये सारी चीजें देखो नंबर ऑफ सेल देख लो नंबर ऑफ सेल गिनना फिर आसान है लेकिन सेल के अंदर का प्रोटोप्लाज्म देखना और कंपेयर करना बहुत मुश्किल है तो रियल ग्रोथ तो यही है बट इस रियल ग्रोथ को मेजर करना आसान नहीं है पर हम कुछ और क्वांटिटीज हैं जिससे हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं तो अगर तुम पे सवाल आए कि इज ग्रोथ मेजरेबल और नॉट ग्रोथ मेजरेबल क्वांटिटी और नॉट तो तुम बोलोगे रियल ग्रोथ को तो नहीं माप सकते हैं बट फिर भी हमने कुछ और पैरामीटर्स निकाले हैं जिसके हिसाब से हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं तो ग्रोथ इज अ मेजरेबल क्वांटिटी इट इज अ मेजरेबल क्वांटिटी कैसे मेजर कर सकते हो कैसे मेजर कर सकते हो बड़ा आसान है सबसे पहला इंक्रीज इन इंक्रीज इन सेल नंबर

तरबूज मतीरा है ना वॉटरमेलन अगर तुम देखते हो वॉटरमेलन के सेल का साइज साढ़े तीन लाख गुना बढ़ता है पहले बेटा वॉटरमेलन बड़ा छोटा होता है और जो तुम्हारे घर में आता है वो कितना बड़ा वॉटरमेलन आता है यानी कि वॉटरमेलन के सेल का साइज सेल साइज कैन इंक्रीज पता है कितना कैन इंक्रीज अप टू थ्री पॉइंट फाइव लाख टाइम्स साढ़े तीन लाख गुना वाटरमेलन के सेल का साइज इंक्रीज होता है तो ऐसे तुम्हें पता चल गया ग्रोथ हुई है ये ग्रोथ ही तो है। छोटे से वाटरमेलन से इतना तो बड़ा बन गया क्योंकि सेल का साइज बढ़ गया ठीक है नेक्स्ट तरीके से जो हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं दैट इज इंक्रीज इन फ्रेश वेट इंक्रीज इन द वेट एंड वेट एंड वेट फ्रेश वेट में बेटा पानी भी काउंट होगा ड्राई वेट में सिर्फ बायोमास काउंट होगा तो उससे पता लगा सकते हो हाँ जी बेटा जी ग्रोथ हुई है इनक्रीज इन देंथ इंक्रीज इन देंथ ऑफ द प्लांट इसका क्लासिक एग्जाम्पल दू कि लेंथ बढ़ रही है तो ग्रोथ हो रही है बेटा पोलन ट्यूब ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब पोलन ट्यूब में तुम देखोगे लेंथ ही तो बढ़ रही है अगर लेंथ बढ़ रही है यानी कि उस चीज में क्या हो रही है ग्रोथ हो रही है तो यार तुम पत्ती ले ली। जी, पत्ती का मैंने क्या देख लिया सरफेस एरिया देख लिया क्या देख लिया बेटा सरफेस एरिया पहले पत्ती छोटी से एरिया में थी अब बेटा बड़ी हो गई यानी कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीज इन द सरफेस एरिया एग्जाम्पल इन केस ऑफ नेक्स्ट आता है वॉल्यूम में बढ़ना भी एक तरीके का ग्रोथ है इंक्रीज इन ग्रोथ इंक्रीज इन वॉल्यूम ये मैं बता रही हूं कि ग्रोथ मेजरेबल क्यों है रियल ग्रोथ तो नॉट इजी टू मेजर है बट हम उस रियल ग्रोथ को इस फॉर्म में मेजर कर सकते हैं देखो चाहे सरफेस एरिया बढ़ रहा है चाहे साइज बढ़ रहा है चाहे वॉल्यूम बढ़ रहा है चाहे नंबर बढ़ रहा है ये सब एक्चुअली रियल ग्रोथ की वजह से ही तो हो रहा है प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है तभी तो बेटा वॉल्यूम बढ़ रहा है तभी तो सर्फेस एरिया बढ़ रहा है ना अल्टीमेट कॉज वही है इसका यस इंक्रीज इन सेल नंबर सेल का नंबर भी तो बढ़ रहा है इन सेल नंबर। अब इस पे बेटा आपकी किसकी एग्जाम्पल दी है मक्की की. की बेटा एनसीईआरटी ने मेज की मेज में कहते हैं कि जो रूट एपिकल मेरिस्टम का सेल है वो एक घंटे में साढ़े सत्रह हजार नए सेल बना सकता है एक घंटे बेटा मेज में जो रूट एपिकल मेरिस्टम बेटा राम और श्याम राम और श्याम बोल लो कुछ बोल लो राम और श्याम बोल लो रूट एपिकल मेरिस्टम मेरिस्टम एंड शूट एपिकल ये प्लांट के वो दो हिस्से हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग है जो एवर डिवाइडिंग है, है जहां पर नए सेल हमेशा एड होते रहते हैं सेल डिविजन वाला एरिया है। तो यार ये जो राम है यानी कि रूट एपिकल मेरिस्टम है मेज का इट कैन फॉर्म सेवनटीन फाइव हंड्रेड मतलब साढ़े सत्रह सो सेल्स पर आवर कई बार बेटा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है वाटरमेलन पर भी कि उसका सेल का साइज कितने गुना बना तुम बोलोगे साढ़े तीन लाख गुना मेज के सेल ने कितने से, मेज में बेटा एक घंटे में राम कितने सेल ऐड करता है तुम बोलोगे साढ़े सत्रह हजार सेल ऐड करता है ठीक है साढ़े सत्रह हजार सेल ऐड करता है फ्रेश वेट और ड्राई वेट बेटा जो पूछ रहे हैं फ्रेश वेट में बेटा एक तो जो ऑर्गेनिक बायोमास है प्लस वॉटर वाटर भी ले लोगे अगर उसमें से पानी को सुखा वा� दू सिर्फ बायोमास बच गया वो बन जाएगा तुम्हारा ड्राई वेट वो बन जाएगा तुम्हारा ड्राई वेट ठीक है जी यस yes. अब अगर तुमको चेंज इन लेंथ देखनी है मैंने लिखा चेंज इन लेंथ हाँ, यस uh, yes. अगर बेटा तुमको इंक्रीज इन लेंथ देखनी है तो यार एक डिवाइस आती है जो इंक्रीज इन लेंथ को मेजर करती है मैं उस डिवाइस का नाम लिख लेती हूं दैट इज कॉल्ड एज एक्सोनोमीटर दैट इज बेटा जी कॉल्ड एज डिवाइस यूज टू मेजर द इंक्रीज इंक्रीज इन लेंथ ठीक है यस अच्छा अब बेटा हमें पता चल गया कि ग्रोथ है यार मेजर हो सकती है बहुत आसानी से इन सब पैरामीटर से हम लोग ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं अब एनसीईआरटी एक सवाल पूछती है बेटा जिसने एनसीआरटी खोली हुई है उसको वो सवाल दिख रहा होगा मैं बेटा एनसीईआरटी नहीं खोल रही हूं बट तुम्हारे आगे खुली हुई है एनसीईआरटी ने बोला कि यार एक लकड़ी का टुकड़ा है क्या बोला ये तुम्हारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है दरवाजा है मान लो खिड़की है या फिर यू you नो know, दरवाजा है ठीक है जी इसको तुमने पानी में डाल दिया इसको तुमने बेटा इस लकड़ी के टुकड़े को किस में डाल दिया पानी में डाल दिया डाल दो अ पीस ऑफ वुड इज सोक्ड इन वॉटर ठीक है जी दिस पीस एक्चुअली स्वेल्स जब तुम इसको पानी में डालोगे ये लकड़ी का टुकड़ा फूल जाएगा क्या कर जाएगा फूल जाएगा क्या ये ग्रोथ है दिस ग्रोथ कि जब तुमने इस लकड़ी के टुकड़े को तुम्हारे सामने है बेटा इतना प्यारा लकड़ी का टुकड़ा है दरवाजा तो नहीं पानी में डाल पाएंगे बट हां कोई भी लकड़ी का टुकड़ा है तुमने उसे पानी में डाला वो सूज गया वो स्वेल हो गया उसके अंदर पानी भर गया है ना नमी आ गई उसके अंदर क्या ये ग्रोथ है यस यस और नो में सब बच्चे आंसर देंगे इज दिस ग्रोथ क्या ये ग्रोथ है बेटा ये चीज ग्रोथ नहीं कहला सकती क्यों क्योंकि बेटा ग्रोथ तो इरिवर्सिबल होता है तुम इस लकड़ी के टुकड़े को तुम्हारा धूप में रख दो या पानी में से निकाल कर रख दो कुछ समय में खुद से पुरानी ओरिजिनल शेप में चला जाएगा तो यार जो चीज रिवर्सिबल दिख रही है तुम्हें वो ग्रोथ नहीं है दिस इज रिवर्सिबल अगर लकड़ी सूज रही है तो लकड़ी दोबारा से श्रिंक भी हो जा रही है बाहर निकालने पे मतलब ये ग्रोथ नहीं है क्योंकि जी चलिए अब अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारी एनसीआरटी पूछती है वो कहती है कि एक आदमी था ठीक है जी अब मैं इसमें से तुम्हारे में से वैसे मैं एग्जाम्पल लेना चाहती थी बट मैं नहीं लूंगी इस आदमी को मैकडी मैकडी का बर्गर के ये वो मतलब इसको जंक फूड छोले भटूरे मोमोज खाना बहुत पसंद था तो यार इसने खूब खूब खाया, खुँँ खाया, ठीक है? जिसकी वजह से इसके अंदर खूब फैट वैट वैट डिपॉजिट हो गया एक टाइम पे बेटा ये बंदा साठ किलो का था बट इसने खूब के जंक फूड खाया अपनी कॉलेज लाइफ में अब ये आदमी सौ का नहीं साठ का नहीं सौ किलो का हो चुका है भैया मतलब अब ये आदमी इतना मोटा हो चुका है 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 ना क्या हो चुका है? मोटा तो यानी कि मोटापा क्या लिख रही हूं? मोटापा मतलब ओबेसिटी ओबेसिटी में मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ा इस बंदे का वॉल्यूम बढ़ा सरफेस एरिया थोड़ा सा बढ़ गया वेट बढ़ गया क्या ये ग्रोथ है क्या ये ग्रोथ है साठ किलो का आदमी अब जाके 100 किलो का हो चुका है क्या ये ग्रोथ है बच्चों बताओ इज दिस ग्रोथ यस बताओ इज दिस ग्रोथ यस और नो इज ओबेसिटी इन विच यू इंक्रीज योर बॉडी वेट इन विच यू इंक्रीज योर बॉडी वेट इज दिस ग्रोथ यस बेटा कैसे जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना कि ग्रोथ है या नहीं है कंफ्यूजन हो रहा है तुम देखो क्या ये रिवर्सिबल है कि नहीं है अगर ये साठ किलो से सौ किलो का हो गया है खा खा के तो यार जिम करेगा एक्सरसाइज करेगा, दौड़ेगा थोड़ा सा डाइट करेगा, तो यार ये वापस सौ किलो से का हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है।, है ना अगर इसके अंदर विल पार है ये सब ऐसी गंदी चीजें खाना छोड़ दे बैलेंस डाइट रखे एक्सरसाइज करे जिम जाए तो बेटा ही कैन कम बैक टू हिज ओरिजिनल शेप यानी कि ये चेंज एक रिवर्सिबल चेंज है और ग्रोथ तो रिवर्सिबल होती नहीं है ग्रोथ तो इरिवर्सिबल है यानी कि ये चेंज ग्रोथ कहला ही नहीं सकती दिस इज ऑल्सो नॉट ग्रोथ बिकॉज इट इज रिवर्सिबल एंड ग्रोथ इज नेवर रिवर्सिबल ठीक है जी तो अगर तुम्हें ऐसे सवाल आए तो तुम कैसे डिसाइड करोगे रिवर्सिबल और इ रिवर्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट से ठीक है जी हाँ ये इम्बाइबिशन नहीं है अफजल कह रहे हैं है, मैम इसको इम्बाइबिशन होगी इसके ऊपर कुछ चिपक गया इम्बाइबिशन हो गया बेटा इम्बाइबिशन नहीं ये खा, खा के इसके अंदर फैट, फैट बढ़ गया है जिसका नाम है ऑग्जेटिक ग्रोथ क्या लिखने वाली हूँ तो बेटा कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं मोटा नहीं हुआ हूं मैं ना हेल्दी हो गया हूं मैं फिट हो गया हूं बेटा तुम फिट नहीं हुए हो तुम ग्रो नहीं कर रहे हो तुम बेटा मोटे हो गए हो मोटापे को ठीक करना है किसी भी एज में चाहे वो आपकी एज हो चाहे वो मेरी एज हो चाहे मेरे से आ, दस साल बड़े लोगों की एज हो बीस साल बड़े लोगों की एज मोटापा इज वेरी वेरी सीरियस डिसऑर्डर उससे जितना दूर रहो उतना अच्छा ठीक है जी ऑग्जेटिक ग्रोथ की बात करते हैं <coughs> ये बेटा ऐसी टाइप की ग्रोथ है जिसमें सेल का नंबर नहीं बढ़ता है जिसमें याद रखना है ऑक्जेटिक ग्रोथ इज दैट ग्रोथ इन विच द सेल नंबर डज नॉट इंक्रीज सेल का नंबर नहीं बढ़ रहा है तो फिर कैसे ग्रोथ कहलाई फिर मैंने आप मैम आप कैसे कह रहे हो ग्रोथ है बेटा इस केस में सेल का, बढ़ता है। सेल का सर्फेस एरिया एस ए का मतलब सरफेस एरिया प्लीज अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम मी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज एस ए सर्फेस एरिया बारी बारी एक ही चीज को मत पूछिए जो मैं बता दे रही हूं अगर बेटा वॉल्यूम बढ़ रहा है सर्फेस एरिया बढ़ रहा है और सेल का साइज बढ़ रहा है इस टाइप की ग्रोथ को जिसमें नंबर नहीं बढ़ रहा मतलब पहले मान लो ये पत्ती के बीच में बेटा एक ये इतना सेल था फिर बेटा बस सेल का साइज ही बढ़ रहा है नंबर नहीं बढ़ रहा सेल डिवाइड नहीं कर रहा है सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो ऐसी ग्रोथ जिसमें सेल की डिवीजन नहीं हो रही है सिर्फ सेल का साइज सरफेस एरिया वॉल्यूम ये चीजें बढ़ रही हैं इस टाइप की ग्रोथ को हम बोलते हैं बेटा इस टाइप की ग्रोथ को बोलते हैं ऑग्जेटिक ग्रोथ ठीक है जी चलिए हो गया जी अब बेटा बात करते हैं ग्रोथ इन प्लांट्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं ग्रोथ इन प्लांट्स में शुरू करें शुरू करें बच्चों <coughs> समझ आ रहा है अच्छा मैंने कल ना एक वीडियो बनाया था डिड यू वॉच दैट वीडियो बड़ी फनी चीज बताती हूँ रिलेटेड कल मैंने एक वीडियो बनाया था क्या आपने वीडियो देखा जिसमें आई गेव अ मैसेज टू इंडियन पेरेंट्स स्पेशली ठीक है डिड यू वॉच दैट वीडियो डियर पेरेंट्स करके छोटा फिफ्टी सेकेंड्स का वीडियो है yes. डिट्यू वॉच दैट वीडियो हाँ बेटा जैसे बच्चे उसमें नीचे कॉमेंट कर रहे थे कि मैम अगर मैंने घर पे दिखा दिया तो मेरे को तो बाहर निकाल देंगे अर्थक्वेक आ जाएगा बेटा अर्थक्वेक मेरी लाइफ में भी आ गया वो मैंने अपने पेरेंट्स को बता के थोड़ा बताया था बट माई पेरेंट्स वॉच ऑल माई वीडियोज ठीक है एंड वेन माई फादर सॉ दैट वीडियो ही शेयर अ मैसेज विद मी मैं आपको ना उसका स्क्रीन शॉट टेलीग्राम पे भेजूंगी <laughs>

लेकिन अब मुझे बचने के लिए बेटा एक डियर चिल्ड्रन वाला भी वीडियो बनाना पड़ेगा है ना नो no डाउट बेटा ऑन द लाइटर नोट जस्ट मैं मजाक कर रही थी ऑन द सीरियस नोट बेटा एक्चुअली मे पेरेंट्स आर द ओनली पर्सन पीपल इन योर लाइफ जो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं है ना और वो सेल्फलेस लव है उनका उसमें कोई फायदा नहीं होता है. यार तुम पैसे कमाओगे उनको क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा तुम फाइनेंशियली तुम मेंटली तुम फिजिकली ग्रो करोगे उनको क्या फायदा मिलेगा कोई फायदा नहीं मिलेगा बाकी सारे रिलेशन बेटा चाहे ब्लड रिलेशन हो चाहे कोई हो बाकी सारे रिलेशन में स्वार्थ होता है आपको अपने दोस्त से भी स्वार्थ है कि हाँ ये मेरा साथ देगा है ना ये मेरे साथ चलेगा शॉपिंग करने जाएगा जो भी है ठीक है जी हमें अपने दोस्तों से भी स्वार्थ होता है हमें अपने जॉबमेट से भी स्वार्थ होता है हमें अपने पार्टनर से भी स्वार्थ है एक्सपेक्टेशन है लेकिन बेटा वो एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक्सपेक्टेशन नहीं है स्वार्थ नहीं है बात तो सच है बट जो मैंने कल बात कही थी वो भी किस कुछ कुछ पेरेंट्स पे एप्लीकेबल है कुछ कुछ पेरेंट्स पे मैं ये नहीं कह रही कि सब ऐसे होते हैं सब बहुत अच्छे होते हैं दिल सबका साफ है यार दिल सबका साफ है हाँ बस कुछ स्ट्रिक्ट होते हैं कुछ थोड़े लीनियंट होते हैं बात इतनी है यस <laughs> yes. yes, बेटा बिल्कुल मेरे लेक्चर भी देखते हैं दे वॉच एवरीथिंग दे वॉच एवरीथिंग ठीक है इसलिए मैं डर के रहती हूं यस <laughs> yes. चलिए बेटा आ जाइए तो ग्रोथ इन प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स के अंदर ग्रोथ किस टाइप की ग्रोथ है सबसे पहला फीचर बेटा प्लांट के अंदर ग्रोथ हमारी तरह नहीं है कि यार 20 साल की उम्र तक ग्रो करेंगे मेरी हाइट अगर इतनी होगी तो मैं इससे ज्यादा बढ़ नहीं पाऊंगा नहीं बेटा हमारी तरह नहीं है प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है दैट इज अनलिमिटेड इनडिटर्मिनेट कैसी ग्रोथ है बेटा जी प्लांट के अंदर इनडिटर्मिनेट जिसको हम क्या बोल सकते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ है यानी कि प्लांट अपनी पूरी जिंदगी थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ग्रो करेगा सो so, प्लांट कैन ग्रो ग्रोज थ्रू आउट द लाइफ स्पैन थ्रू आउट द लाइफ स्पेन ऐसा क्यों हम क्यों नहीं ग्रो कर सकते पूरी जिंदगी मैं भी ग्रो करना चाहती हूं आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्टे यंग आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्टे हेल्थी की मेरे सेल्स भी हर वक्त डिवाइड करते रहे बेटा प्लांट्स ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास एक स्पेशल टाइप का टिशू है उस टिशू का नाम है मेरिस्टम उस टिशू का बेटा क्या नाम है मेरिस्टम बेटा प्लांट के अंदर इस टिश्यू की वजह से ही अनलिमिटेड इनडिटर्मिनेट ग्रोथ प्रेजेंट है और इस टिश्यू का नाम है मेरिस्टम दो तरीके का मेरिस्टम बेटा हम करेंगे हां जी दो तरीके का मेरिस्टम करेंगे पहला नाम है प्राइमरी मेरिस्टम प्राइमरी को बेटा मैं हमेशा वन डिग्री लिखती हूं दूसरे का नाम है सेकेंडरी मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम क्या है बेटा ये वो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है जो प्लांट में शुरुआत से प्रेजेंट है इट इज प्रेजेंट सिंस द ओरिजिन ऑफ द प्लांट बेटा वैसे हम इसकी ज्यादा डिटेल एनाटमी में करेंगे अगर मैं एनाटमी वाला पोर्शन अभी कराना शुरू कर दूंगी तो ये चैप्टर गायब हो जाएगा और अनाटमी इतनी डिटेल्ड है कि हम वो यहां शुरू कर देंगे तो यहां पर मैं सिर्फ उतना अनाटमी का पोर्शन बताऊंगी जितना आपके यहाँ के सवाल के लिए वैलिड है बाकी ये सब चीजें ज्यादा डिटेल में आएंगी तुम टेंशन मत लो अनाटमी में आएंगी ठीक है जी अब दो तरीके का मेरिस्टम है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ठीक है जी अभी जो प्राइमरी मेरिस्टम है ये प्लांट में शुरुआत से प्रेजेंट होता है जो सेकेंडरी मेरिस्टम है वो बाद में बनता है वो बाद में बनता है प्राइमरी मेरिस्टम प्लांट की लेंथ बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्लांट लंबा हो जाए ऊपर को लंबी हो जाए रूट नीचे को लंबी हो गई और सेकेंडरी मेरिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग द प्लांट मोटा मोटा यानी कि गर्थ बनाने के लिए विर्थ बनाने के लिए चौड़ाई इंक्रीज करने के लिए कौन सा मेरिस्टम है अपने पास सेकेंडरी मेरिस्टम है ठीक है जी तो प्राइमरी बेटा ओरिजिन से प्रेजेंट है और सेकेंडरी बाद में बनता है प्राइमरी जो है वो मोनोकॉट मोनोकोट और डायकॉट दोनों में होता है ठीक है जी इससे प्लांट की क्या इंक्रीज होती है लेंथ इंक्रीज होती है जबकि सेकेंडरी मेरिस्टम सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है डायकॉट ओनली एंड इससे बेटा प्लांट की विर्थ विर्थ यानी कि चौड़ाई इंक्रीज होती है एनी एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टम बिल्कुल राम एंड शाम है ना

ठीक है जी कॉर्क कॉर्कमियम ये दोनों बेटा प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं भैया ये ग्रोथ कैसे कराएगा प्राइमरी ग्रोथ प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है लेंथ में बढ़ रहा है हाइट इंक्रीज हो रही है ये दोनों बेटा सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं मतलब प्लांट की चौड़ाई इंक्रीज हो रही है चौड़ाई यानी कि लेटरल लेफ्ट राइट साइड में प्लांट बढ़ रहा है इसीलिए सेकेंडरी मेरिस्टम का दूसरा नाम पता क्या है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अट्रल मेरिस्टम क्या बोलते हैं इसको लैटरल मेरिस्टम भी बोलते हैं ठीक है जी क्लियर है ये बात थी बेटा प्लांट की ग्रोथ की ग्रोथ ग्रोथ अब क्या तुम्हारे अंदर भी ग्रोथ ऐसी है अनलिमिटेड बढ़ रहे हो तुम भी बेटा अदरक हूं वो हो एक मूवी में डायलॉग भी है ना ये अदरक की तरह बढ़ता जा रहा है नहीं बेटा हम लोग अदरक की तरह या किसी भी प्लांट की तरह कहीं से भी नहीं बढ़ सकते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ हमारे में नहीं है कि हाँ मेरी उंगली कट गई उंगली फिर से ग्रो करना शुरू कर दी नहीं प्लांट में पत्ती टूट गई तो पत्ती फिर से ग्रो करना शुरू कर देगी लेकिन हमारे पास वो क्वालिटी नहीं है तो प्लांट के अंदर फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा कि इनडिटर्मिनेट है लेकिन अगर यही चीज मैं एनिमल्स में बताऊं यही चीज बेटा अगर मैं एनिमल्स में बताऊं तो एनिमल्स की ग्रोथ तो लिमिटेड होती है एक सर्टेन एज तक ही बेटा हम लोग ग्रो करते हैं हम लोग पूरी उम्र उम्रता उम्र भर ग्रोथ नहीं शो कर सकते अप टू अ सर्टेन एज आवर सेल एंड देन दे गो ऑन द रूट ऑफ एजिंग फिर बेटा उनकी एजिंग हो जाती है नेक्स्ट चीज नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो ओपन ग्रोथ है ओपन टाइप की ग्रोथ है कैसी ग्रोथ है बेटा प्लांट के अंदर ओपन साइंस मतलब हर समय हर समय नए सेल ऐड होते रहते हैं तो न्यू सेल्स आर ऑलवेज एडेड हर समय बेटा नए सेल बनते रहते हैं लेकिन बेटा तुम इमेजिन करो अपने आप को साठ साल में कब इमेजिन करना है बेटा अपने आप को इमेजिन करो साठ साल की उम्र में साठ साल की उम्र में कभी तुम्हारे घुटने दर्द हो रहे हैं कभी कमर दर्द हो रही है कभी बेटा अगर गलती से तुम्हारा फ्रैक्चर हो गया फ्रैक्चर हो गया तो बोला ना अरे बुढ़ापे में चोट लग गई अब तो बड़ा मुश्किल है इनका ठीक होना इनको लंबा समय लगेगा एक डेढ़ साल लग जाएगा भरपाई होने में मतलब मतलब एनिमल्स के केस में हमारा ओपन सिस्टम नहीं है कि हाँ हड्डी टूटी दोबारा से हड्डी आ रही है आराम से ग्रो कर रही है नहीं हमारे में जो कॉन्सेप्ट है वो है क्लोज टाइप का ठीक है क्लोज टाइप एक बार बन गए बन गए फिर नए सेल एड नहीं होते हैं केस ऑफ एनिमल्स ओके जी चलिए आगे करते हैं ये नंबर टू हो गया देन मूविंग ऑन टू नंबर थ्री प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है ऐसा नहीं है बेटा हर हिस्सा शो करता है हर हिस्सा शो करता है नहीं प्लांट के अंदर ग्रोथ कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ शो करते हैं दैट मींस प्लांट की जो ग्रोथ है वो एक लोकलाइज ग्रोथ है शूट का एपिक्स शो करेगा शूट का एपिक्स शो करेगा एपिक्स शो करेंगे ग्रोथ ठीक है जी हर हिस्सा नहीं शो करेगा लेकिन क्या तुमने ह्यूमन में सुना है एनिमल्स में सुना है कि यार मेरी बस उंगलियां उंगलियां ग्रो कर रही है है ना मेरे बस पैर पैर ग्रो कर रहे हैं मेरा शरीर नहीं ग्रो कर रहा ऐसा होता है हमारे पे नहीं बेटा अगर हमारी ग्रोथ हो रही है तो पूरी होगी भैया प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होगी जितनी अगर उंगलियां ग्रो कर रही है उतनी मेरी हाइट भी बढ़ेगी उतने मेरे पैर भी ग्रो करेंगे इट इज अ प्रोपोर्शनेट ग्रोथ है ना

पत्ती की जगह पत्ती यार इमेजिन करो हाँ ये रही पत्ती ठीक है जी पत्ती दिख रही है पत्ती दिख रही है बच्चों ओके इस पत्ती के ऊपर तुमने ना ब्लू कलर की टेप लगा दी तुमने ये पत्ती कौन से साल में देखी 2015 में 2015 में बेटा जब ने एक पत्ती देखी और 2015 में तुमने इस पत्ती पर एक नीले रंग की टेप लगा दी देख रही है एक बेटा इस जगह पर नीले रंग की टेप लगा दी 2015 दो हजार दो हजार 2017 में तुमने देखा पत्ती भैया बड़ी हो गई होगी कि नहीं हो होगी पत्ती बड़ी हो गई है ठीक है जी पत्ती ग्रो करेगी करेगी दो साल का गैप आ गया बीच में अब क्वेश्चन आता है क्या तुम्हें क्या तुम्हें इसको मैं ना दोबारा बनाऊ पत्ती को रोक हाँ जी क्या तुम्हें ये जो ब्लू कलर की टेप है ये यहीं पर दिखाई देगी जहां पहले थी क्या इसी लेवल पे बेटा दिखेगा या फिर जैसे जैसे पत्ती की लेंथ बढ़ी टेप भी ऊपर चली गई यस क्या लगता है क्या लगता है बेटा क्या ए जैसा सीन होगा या बी जैसा सीन होगा जरा बताओ कि यार पहले पत्ती छोटी थी तुमने एक लेवल पर उसके टेप लगा दी यहाँ लगा दी टेप ठीक है जी अब पत्ती बड़ी हो गई है पत्ती बड़ी हो गई क्या टेप भी उसके साथ ऊपर चली जाएगी या टेप अपनी स्थान पर रहेगी बताओ ए जैसा सीन होगा या बी जैसा सीन होगा बी मतलब वो लोग बच्चे बोल रहे हैं बी वो बोल रहे हैं जो कह रहे हैं कि टेप भी ऊपर चली गई पत्ती की ग्रोथ हुई टेप भी ऊपर चली गई और ए वो बच्चे बोलेंगे जो ये सोच रहे हैं कि जहां पहले टेप थी वहां पर बाद में भी टेप रहेगी Yes, so the question is when the patti will grow, when the plant will grow, will the position of tape change or not? Tape ki janga change hogi, fir nahi hogi. Hanji bita, will the position of tape change or not? <coughs> okay, okay, okay. Hanji, A, मतलब पोजिशन ऑफ टेप इज नॉट चेंजिंग बी मतलब पोजिशन ऑफ टेप इज चेंजिंग बेटा मैथ्स करा रही हूँ एक बच्चा कह रहा है मिस्टर आर वाई कह रहे हैं क्या करा रहे हो बेटा मैथ्स करा रही हूं कर लो आगे नीट में मैथ्स भी आता है ना कर लो हाँ तुम्हारे लिए है बेटा ये बेटा जो आंसर दे रहे हैं बी जो कह रहे हैं कि टेप की लोकेशन भी चेंज होगी वो सब गलत है बी इज नॉट द करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए पोजिशन ऑफ टेप विल नॉट चेंज वाई क्योंकि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म नहीं है कि पूरी पत्ती बढ़ रही है प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है बिल्कुल टिप पे हो रही है कहां पर हो रही है बिल्कुल टिप पे हो रही है आप अगर इसको पत्ती ना लेकर चलो इमेजिन इट एज अ फुल प्लांट इसको बेटा पूरा प्लांट इमेजिन करो फुल प्लांट आपने एक प्लांट की स्टेम पर टेप लगा दिया ठीक है स्टेम पर टेप लगा दिया जब स्टेम ग्रो करी तो क्या टेप भी ऊपर चलेगी टेप ऊपर नहीं गई ऊपर के सेल नए ऐड होते जा रहे हैं ऊपर बेटा नए सेल ऐड होते जा रहे हैं नीचे से नहीं ग्रोथ हो रही है नीचे से नहीं ग्रोथ हो रही है तो याद रखना है कि इन केस इफ अ प्लांट इज लाइक दिस है ना पहले बेटा इतना छोटा प्लांट था तुमने अगर यहां पर ऐसे टेप लगाई कल को बेटा प्लांट बड़ा हो जाएगा तो टेप वहीं की वहीं रहेगी टेप ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो एक स्पेसिफिक एरिया में ही होती है इट इज अ लोकलाइज ग्रोथ इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म ग्रोथ हर जगह से प्लांट ग्रो नहीं करता है सिर्फ मेरिस्टमेटिक टिश्यू से ही ग्रोथ करता है सो पोजिशन ऑफ टेप विल नॉट चेंज पोजिशन ऑफ टेप विल नॉट चेंज ठीक है जी बिकॉज ऑफ द लोकलाइजेशन क्योंकि ग्रोथ बेटा प्लांट में हर जगह नहीं होती है कुछ स्पेसिफिक जगह पर ही होती है ठीक है जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा हम कर लेते हैं हाँ जी फोर्थ नंबर दैट इज प्लांट बेटा नंबर ऑफ ऑर्गन कैन इंक्रीज ड्यूरिंग द ग्रोथ प्लांट के केस में नंबर ऑफ ऑर्गन इंक्रीजेस लेकिन बेटा हमारे में हो सकता है कि हम जब ग्रो कर रहे हैं तो यार एक दिल की जगह दो दिल बन गए फिर तो बेटा वो गाना सच हो जाएगा दो दिल मिल नहीं रहे बन रहे हैं दो दिल बन रहे हैं मगर चुपके चुपके तो यार पहले हम एक दिल दे देते दे थे, थे तो हमारे पास कुछ नहीं बनता था फिर हम गाने गाते थे मेरा दिल टूट गया मेरा ये हो गया वो हो गया दो दिल बन जाए तो कितना बढ़िया एक दे भी दिया तो एक अपने पास है है ना तो हमारे अंदर जब ग्रोथ होती है ऐसा नहीं होता कि एक दिल की जगह दो बन जाए एक लिवर की जगह चार लिवर बन जाए दो किडनी की जगह छह किडनिया बन जाए ऐसा नहीं होता है सो नंबर ऑफ ऑर्गन्स डू नॉट इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्गन डू नॉट इंक्रीज बहुत हंसी आ रही है बहुत ज्यादा है ना नेक्स्ट प्लांट लिमिटा अगर बात करें तो ग्रोथ के फेजेस क्या है तो ये बेट प्रॉपर्टीज हो गई एक बारे बेटा यहां पर प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीजाना है यस यहां पर प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीजाना है मैंने आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई सबसे पहले ये चीज बताई कि प्लांट के अंदर जो, जो ग्रोथ है वो इनडिटर्मिनेट है अनलिमिटेड है उम्रता होती है लेकिन एनिमल्स की जो ग्रोथ है वो क्या है लिमिटेड है अप टू सर्टेन एज होती है देन हमने बात की प्लांट के अंदर हर समय से नए सेल बनते रहते हैं तो यार ओपन सिस्टम है हमारे अंदर हर समय से नए सेल नहीं बनते हैं देन प्लांट की ग्रोथ एक स्पेसिफिक रीजन पे ही होती है लोकलाइज ग्रोथ है नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ है मेरिस्टम्स पे ही ग्रोथ होती है लेकिन एनिमल की ग्रोथ बेटा यूनिफॉर्म होती है अगर हो रही है जब तक भी हो रही है एक प्रोपोर्शनेट मैनर में ही होगी देन हमने किया प्लांट के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गन्स बढ़ सकते हैं ना फ्रूट बढ़ रहे हैं सीट बढ़ रहे हैं आपके पत्तियां बढ़ रही है organ बढ़ रहा है यहाँ पे बेटा ऑर्गन नहीं बढ़ता है अब यार प्लांट जब ग्रोथ फेज में एंट्री लेता है फिर कैसी-कैसी चीजें शो करता है टॉकिंग अबाउट द फेजेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट किसके बारे में बात कर रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है बेटा फेजेस ऑफ ग्रोथ फेजेस ऑफ ग्रोथ पहले मैं समझाऊंगी उसके बाद लिखवाऊंगी ठीक है जी पहले मैं समझाऊंगी उसके बाद लिखवाऊंगी तो फेजेस ऑफ ग्रोथ की यार बात किया जाए मान लीजिए प्लांट सेल है प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय अ सेल वॉल सेल वॉल के अंदर क्या होती है मेम्ब्रेन होती है ठीक है ये क्या होती है प्लाज्मा दिख रहा है मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी माल मसाला है इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाजम प्रोटोप्लाजम प्रोटो एक बार बेटा नीट में क्वेश्चन आया था कि प्रोटोप्लास्ट किसको बोला जाता है एक तो है प्रोटोप्लाजम एक है प्रोटोप्लास्ट तो याद रखेंगे प्रोटोप्लाज्म सिर्फ अंदर का लिविंग मैटर है लेकिन अगर इस अंदर के लिविंग के साथ मैं प्लाज्मा जोड़ दूं यानी कि मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म विल फॉर्म प्रोटोप्लास्ट 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 में प्रोटोप्लाज्म के साथ प्लाज्मा भी आ जाती है इसको याद रखिएगा चलिए मान लीजिए बेटा इस सेल ग्रोथ में एंट्री ले लिया दिस सेल द ग्रोथ तो सबसे पहले बेटा क्या कैसे ग्रोथ होगी तो पहले समझो सबसे पहले सेल जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड करेगा सेल जो है मान लीजिए एक सेल है इस एक सेल से अल्टीमेटली आपके पास दो सेल बन जाएंगे ठीक है जी मतलब फर्स्ट फेज में बेटा क्या हुई सेल डिवाइड किया सेल डिविजन हो गई ठीक है जी फर्स्ट फेज में सेल डिविजन हो गई नेक्स्ट फेज में बेटा ये जो डॉटर सेल बने ना ये जो डॉटर सेल बने ये अपना साइज बढ़ाएंगे फेज टू में बेटा क्या होगा इलांगेशन होगा डिविजन नहीं होगी मोटा मोटा बता रही हूँ अभी इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगी प्रॉपर्टीज बताऊंगी ठीक है इलांगेशन फेज में बेटा सिर्फ इन डॉटर सेल का साइज इंक्रीज बढ़ा साइज इंक्रीज होगा पहले इतने थे मान लीजिए अब इतना हो रहा है और फेज थ्री में बेटा ये जिम्मेदार नागरिक बन जाएंगे यानी कि फेज थ्री में जाकर ये मेच्योर हो जाएंगे और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे डिफरेंशिएट हो जाएंगे ठीक है जी तो सेल जब ग्रो करता है प्लांट का सेल जब ग्रो करता है तो तीन फेजेस में करता है बता दो फटाफट पड़ से पहला फेज जब बेटा सेल डिवाइड करेगा डिवाइड करने के बाद जो डॉटर सेल बने इन डॉटर सेल का साइज इंक्रीज होगा इन द सेकंड फेज और बेटा साइज इंक्रीज होने के बाद इनकी बस हो जाती है अब कहेंगे मुझे एक जिम्मेदारी दे दू मैं बड़ा हो गया हूं बड़ा होने के बाद बेटा ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे उसके बाद ये वापस डिवाइड नहीं करेंगे जनरली उसके बाद बेटा ये वापस डिवाइड नहीं करेंगे दे देर इन टू एजिंग इसके बाद इनकी डेथ होने वाली सिचुएशन आ जाएगी चलिए तो तीन फेजेज हैं तीन फेजेज में बेटा प्लांट के सेल ग्रो करते हैं तो लिख लें वन बाय वन वन बाय वन बेटा फेज लिख ले बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इनके फीचर्स इसको क्या हो गया बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसके फीचर्स तो फेज वन फेज वन इज कॉल्ड एज मेरिस्टमैटिक फेज मेरिस्टमैटिक ग्रोथ फेज या फिर फेज ऑफ सेल डिवीजन इस समय सेल डिवाइड करेगा इस समय सेल डिवाइड करेगा बता दू हां जी क्या फेज होंगे बेटा ये फर्स्ट फेज है ये किस जगह पर होगा बेटा जहां सेल डिवाइड करेगा और हमें पता है प्लांट के अंदर जो सेल डिवाइड करता है वो एक स्पेसिफिक एरिया में करता है यानी कि लोकलाइज एरिया रूट शूट ठीक है यानी कि ये चीज होगी मेरिस्टम में कहाँ होगी मेरिस्टम मेरिस्टम कहां, कहां पर है रूट एपेक्स में है और कहाँ पर है शूट एपेक्स में है अब यार जब सेल ने डिवाइड करना है तो उसके अंदर का जितना भी मसाला है जितना भी प्रोटोप्लाज्म है बहुत ज्यादा होगा उसके अंदर बेटा इनिशियली वैक्यूल होगा ही नहीं भाई हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सेवंथ क्लास में एइट्थ क्लास में सेल का डायग्राम बनाया था प्लांट सेल का प्लांट सेल में हमने देखा था सेंटर में इतना बड़ा वैक्यूल बना देते हैं लेकिन वो वैक्यूल फर्स्ट फेज में नहीं बनता है फर्स्ट फेज में तो सेंटर में इतना तो बड़ा न्यूक्लियस होता है वैक्यूल बेचारा या तो होता ही नहीं है या फिर ऐसे कोने पे बैठा होगा ठीक है तो प्रॉपर्टीज क्या है इस फेज में इस फेज में बेटा एक तो डेंस साइटोप्लाज्म होगा साइटोप्लाजम को प्रोटोप्लाज्म बोल रही हूँ पर और बेटा वैक्यूल नहीं होंगे सेंट्रल न्यूक्लियस होगा सेंट्रल बिग न्यूक्लियस होगा वैक्यूल होगा तो पेरिफेरल होगा या फिर वैक्यूल्स होंगे ही नहीं या तो नहीं होंगे या फिर छोटे छोटे पेरिफेरी में प्रेजेंट होंगे रेस्पिरेशन रेट कैसा होगा हाई या लो

प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है डेंस प्रोटोप्लाज्म हाई रेस्पिरेशन रेट छोटा सा सेल लेकिन सेल के अंदर घना घना सेल प्रोटोप्लाज्म बहुत ज्यादा है तभी रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा डिमांड करता है ठीक है जी और सेल वॉल में सिर्फ प्राइमरी वॉल अभी के मेरे साथ याद करो बेटा यहां से इस क्लास से होमवर्क नहीं जाएगा तुम्हारे पास इस क्लास से कोई भी होमवर्क नहीं जाएगा इस क्लास में जो हो रहा है वो तुम्हें यहीं पर लर्न करके जाना है होमवर्क नहीं जाएगा तो अभी के अभी लर्न करो इसको Yes. First phase done. कर रहा है. इसके बाद डिवाइड नहीं करेगा फेज ठीक है जी इसमें साइज बढ़ेगा बेटा डिवाइड नहीं करेंगे फेज ऑफ एनलार्जमेंट लार्जमेंट फेज ऑफ एनलार्जमेंट ठीक है जी यानी कि इसमें सेल मेरिस्टमैटिक फेज के बाद जाएगा सो दिस फेज विल कम आफ्टर मेरिस्टमैटिक फेज ऑब्वियसली बात है मैं ऑर्डर में बता रही हूँ ठीक है मैं ऑर्डर में ही बता रही हूँ क्या सेल डिवाइड करेंगे बताओ क्या यहाँ पर डिवीजन होगी तुम बोलोगे यहाँ पर कोई भी डिवीजन नहीं हो रही है यहाँ पर वैक्यूल्स बन रहे हैं वैक्यूलाइजेशन हो रही है वैक्यूलेशन हो रही है यानी कि वैक्यूल बढ़ रहा है नंबर में भी और साइज बढ़ रहा है साइज एंड नंबर विल इंक्रीज ऑफ वैक्यूल साइज एंड नंबर दे आर गोइंग टू इंक्रीज ठीक है अब बेटा सेल वॉल में प्राइमरी की जगह सेकेंडरी वॉल भी आ रही है न्यू सेल वॉल डेपोजिशन आपको पता है कौन सी वॉल आ रही है बेटा अब यस सेकेंडरी वॉल बननी स्टार्ट हो रही है क्या सेकेंडरी वॉल इनर टू प्राइमरी बनेगी या आउटर टू प्राइमरी बनेगी बताना अब बेटा सेल का साइज बढ़ेगा हां जी क्वेश्चन पूछा है कि जब सेल वॉल में प्राइमरी के बाद सेकेंडरी बनती है तो अंदर वाली साइड बनती है कि बाहर इनर या आउटर यस 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 बता दो फटाफट से इनर या आउटर इनर या फिर आउटर बच्चों अंदर की साइड पर कहा अंदर की साइड पर ठीक है इनर टू द प्राइमरी वॉल क्या बनेगी आपकी सेकेंडरी वॉल और अब सेल का साइज बढ़ेगा पहले छोटा सा सेल था अब सेल का साइज कर रहा, divide थोड़ा कर रहा. पे आते है थोड़ा मेच्योरेशन फेज है maturation phase है इसको बेटा डिफरेंसिएशन फेज भी बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन फेज भी बोलते हैं फेज ऑफ डिफरेंसिएशन ठीक है किसके बाद होगा जस्ट इलोंगेशन के बाद होगा मतलब अगर तुम्हारे पास मान लो ये प्लांट है यहां पे अगर मेरिस्टमैटिक फेज चल रहा है तो बेटा इसके नीचे इलोंगेशन फेज चलेगा फिर उसके नीचे आपका डिफरेंशिएशन मतलब लाइन से हो रहा है यह सारा काम लाइन से हो रहा है बिल्कुल बगल में बैठा होगा ठीक है दो तरीके की डिफरेंशिएशन हो सकती है पहला बेटा उसका शेप साइज बिल्कुल एक कांस्टेंट हो जाएगा स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन इसको क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल और दूसरा है बेटा फंक्शन भी एक प्रॉपर हो जाएगा फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल मतलब स्ट्रक्चरल की बात है है सेल सेल अब अपनी मैक्सिमम साइज में आ चुका है. के पास इस समय मैक्सिमम नंबर ऑफ वैक्यूल जितने भी उसको चाहिए वो बेटा उसमें प्रस्तुत होंगे ठीक है क्या इसमें सेकेंडरी वॉल होगी तुम बोलोगे हां जी इसमें सेकेंडरी वॉल इज गोइंग टू बी प्रेजेंट ठीक है जी स्ट्रक्चर उसने अपना डिसाइड कर लिया कि अब मैं बड़ा हो गया हूं यह मेरा मैक्सिमम साइज है और इससे ज्यादा मुझे मतलब है, एक पर्टिकुलर फंक्शन आ चुका है एक पर्टिकुलर फंक्शन आ चुका है एग्जाम्पल रूट हेयर के सेल का बेटा एक पर्टिकुलर फंक्शन है कि हमने अब जिंदगी में सिर्फ प्ला, आ, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है ना एग्जाम्पल के केस में जैसे रूट हेयर का सेल है वो कुछ और नहीं करता वो क्या करता है वाटर और मिनरल्स को ही एब्जॉर्ब करता करता है है और कुछ करते है? तुम खुद बता दो और कुछ करता है और कुछ नहीं करता है ना जैसे अगर मैं बात करूं मीजोफिल की मीजोफिल सेल मीजोफिल सेल ने भी अपना फंक्शन डिसाइड कर लिया है कि यार मैं क्या करूंगा मुझे सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही करनी है यस फोटोसिंथेसिस ही करनी है और और बेटा ये तब तक ये काम करते रहेंगे जब तक ये मरेंगे नहीं यानी कि इनका सेल का साइज इनका सेल का फंक्शन विल रिमेन सेम टिल डाई मतलब डेथ तक यही सिचुएशन चलेगी डेथ तक ऐसा नहीं होगा बेटा अचानक से डिवाइड करना शुरू कर दे फिर इलांगेट करे फिर में चौर हो जाए नहीं डेथ तक अब यही सिचुएशन चलेगी ठीक है कई बार कई बार बेटा कुछ केसेस में पता है क्या देखा गया कुछ केसेस में बेटा ऐसा देखा गया है कि इसी डिफ्रेंसिएशन के दौर में सेल ना अपने आप को ही मार लेता है खुद ही डेड हो जाता है सो समाइम्स समटाइम्स यू नो ड्यूरिंग दिस डिफ्रेंसिएशन ओनली इसी डिफ्रेंसिएशन के दौर में खुद को खुद का नुकसान कर लेते हैं सेल लूज इट्स प्रोटोप्लास्ट लूजेज द प्रोटोप्लाजम ठीक है और क्या बन जाते हैं डेड बन जाते हैं जैसे मैं तुम्हें बताऊंरन कायमा बेचारे इस कायमा के पास बाहर क्या है सेल वॉल है ठीक है प्राइमरी वॉल है प्राइमरी वॉल में अंदर ये लिगनिन डिपॉजिट कर लेते हैं और अंदर से फूक ले ये बेटा सेकेंडरी वॉल यानी कि लिग्निन है अंदर से ये लोग खाली है अंदर से बेटा क्या है ये खाली है यानी कि बन गया तो यार प्लांट में ऐसे बहुत सारे सेल हैं जो डिफ्रेंसिएशन के दौर पर निकलते तो हैं बट बट बेटा किसी काम के नहीं रहते डिफ्रेंसिएशन के दौर पर निकलते हैं और अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं अपना सारा प्रोटोप्लाजम खो देते हैं ठीक है और डेड हो जाते हैं तो क्या इन सेल को बाहर निकाल दिया जाए बताओ क्या इन सेल्स को बाहर निकाल दिया जाए जिनका प्रोटोप्लाज्म है ही नहीं अब

तुम्हारे पेरेंट्स ने सोच लिया होता कि मेरा बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो घर से बेदखल प्रॉपर्टी से बेदखल है ना नहीं बेटा इसको बाहर नहीं निकालेंगे चाहे काम करे ये बेटा अगर कोई और फंक्शन नहीं कर रहा तो ये मकैनिकल सपोर्ट दे रहा है क्या दे रहा है मकैनिकल सपोर्ट दे रहा है तो बेटा ऐसी चीजों को बाहर नहीं निकाला जाता ऐसी चीजों को बाहर नहीं निकाला जाता ओके जी तो ये बात हो गई सेल के फेज ग्रोथ फेजेस की तो प्लांट सेल के अभी तक हमने क्या किया फटाफट से रिवाइज करते हैं तीन फेजेस के पहला फेज है जब सेल डिवाइड करता है एक से दो सेल बनेंगे ठीक है जी इस टाइम पे सेल छोटा है इसमें बड़ा डेंस साइटोप्लाज्म है इसके बाद सिर्फ प्राइमरी वॉल ही प्रेजेंट है ठीक है जी सेल का साइज लेकिन छोटा है कोई वैक्यूल इसमें नहीं है वैक्यूल बनना ही स्टार्ट होगा सेकेंड फेज में सेकेंड फेज का नाम है आपका फेज ऑफ एलोंगेशन जिसमें सेल का साइज बढ़ रहा है वो डिवाइड नहीं कर रहा है वैक्यूल बढ़ रहे हैं साइज भी बढ़ रहा है और उसका नंबर भी बढ़ रहा है साथ ही बेटा सेल बड़ा होता जा रहा है और प्राइमरी वॉल के साथ साथ उसके अंदर वाली साइड इनर साइड पे सेकेंडरी वॉल भी बनती जा रही है देन आता है तीसरा फेज मतलब एक्सपैंड होने के बाद सेल का साइज बढ़ने के बाद अब वो डिसाइड कर लेंगे अब वो पेच्योर हो जाएगा कि हाँ मुझे यही काम करना है मुझे ये काम करना है और यही मेरा मैक्सिमम साइज है इससे मैं ज्यादा नहीं बढ़ूंगा मतलब स्ट्रक्चरली भी स्ट्रक्चरलीफरेंशिएट कर गए और फंक्शन भी उन्होंने अपना डिसाइड कर लिया जैसे कि सेल ने डिसाइड कर लिया कि यार मुझे फोटो ही करने है रूट सेल ने डिसाइड कर लिया कि मुझे मिनरल्स और वाटर ही एब्जॉर्ब करने है अब इसी मेचोरेशन डिफरेंसिएशन के दौर में कुछ सेल तो अपना प्रोटोप्लाजम ही खो बैठते हैं वो क्या बन जाते हैं डेड सेल और डेड सेल वहां पर क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं फिर दे परफॉर्म द फंक्शन

ठीक है सॉइल का सरफेस लेवल है सॉइल सरफेस इस सीड को बेटा तुमने सो किया तो अल्टीमेटली यस सीड में से ऊपर वाली साइड भी बेटा ग्रोथ आएगी शूट की आएगी कि नहीं आएगी नीचे वाली साइड भी बेटा क्या आएगी ग्रोथ आएगी की. हाँ जी तो यार सबसे पहली चीज आपको याद रखना है जो एरिया दूर होता है उसको क्या बोलते हैं डिस्टल है, है? है, जैसे मान लो शोल्डर मेरा रेफरेंस है मेरी उंगलियां बहुत दूर है तो उंगलियां डिस्टल है लेकिन मेरी एल्बो नजदीक है तो ये प्रॉक्सिमल है एक रेफरेंस पॉइंट से जो चीज दूर फॉर दूर डिस्टल डी फॉर दूर डी फॉर डिस्टल ठीक है और जो चीज नजदीक नजदीक होगी वो क्या कहलाती है प्रॉक्सिमल ये मैंने तुम्हें ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी करा रखा है अब यार इस सीड को अगर मैं रेफरेंस लू इस सॉइल के सर्फेस को रेफरेंस लू तो यार कौन सी चीज दूर है ये चीज दूर है यानी कि ये क्या है शूट के केस में डिस्टल है ये क्या है बेटा प्रॉक्सिमल है ठीक है जी हाँ जी अब रूट के केस में ले लो रूट के केस में ले लो रेफरेंस सेम रहेगा सॉइल का सरफेस ही रेफरेंस रहेगा ये चीज बेटा जो क्या है दूर है ये क्या है डिस्टल है और ये चीज़ नजदीक है ये चीज क्या है प्रॉक्सीमल है क्या ये चीज समझ आई बेटा प्रोक्सीमल और डिस्टल आपको समझ आया यस yes, प्रोक्सीमल और डिस्टल आपको समझ आया बेटा बिल्कुल मेरे से बात होती है मेरे से सारे मेरे प्लस वाले बच्चे आइकॉनिक वाले बच्चे Absolutely बात कर सकते हैं और वो करते भी हैं हम रेगुलर क्लास में भी हैंड uh, फीचर में बात करते हैं बच्चा अपना हैंड रेज करके मुझसे बात कर सकता है और यार दे हैव कॉल कॉल आल्सो आल्सो ठीक है जी तो बिल्कुल प्लस क्लास का बेटा आपका यही फायदा है यही फायदा है। आपको यूट्यूब का बेनिफिट तो मिल ही रहा था साथ ही में आपको टीचर के मेंटोरशिप का गाइडेंस और एक और जो बढ़िया मेंटोर मिलता है यार अमेजिंग आप किसी प्लस वाले बच्चे से पूछो हाउ बेनिफिशियल दैट मेंटोर इज दैट यू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ठीक है जी आपको एक एम ए एम्स का एक बच्चा मिल जाएगा जो आपसे रेगुलर बात करेगा आपको टारगेट्स देगा आपके डाउट सॉल्व करेगा आपकी छोटी छोटी चीजों के बारे में डील करेगा है ना यस yes. चलिए <coughs> बिल्कुल बेटा बेटा प्राइमरी वॉल तो रहेगी सविता सेकेंडरी बनेगी तो प्राइमरी के अंदर वाली साइड बन रही है ऐसा थोड़ा प्राइमरी वॉल उड़ा देंगे उड़ानी नहीं है इट विल स्टे इट विल स्टे चलिए हाँ जी मैं क्या बता रही थी ओके okay, तो यार इसमें हमने प्रॉक्सिमल और डिस्टल डिसाइड कर लिया अब बात करते हैं कौन कौन से फेजेज हैं आपको पता है जो ग्रोथ की स्टार्टिंग है मेरिस्टमैटिक है वो टिप पे होता है टिप पे होता है तो यार शूट का टिप क्या है ये यानी कि ये वाला हिस्सा क्या है ये वाला हिस्सा है मेरिस्टमैटिक फेज है ना मेरिस्टम है यहाँ पर ठीक है जी हमने किया था मेरिस्टम के जस्ट नीचे कौन सा फेज होता है फेज ऑफ इलाशन तो ये क्या हो जाएगा फेज ऑफ इलाशन और फेज ऑफ इलाशन के जस्ट नीचे कौन सा फेज होता है ठीक है यानी कि अगर शूट की ग्रोथ इस दिशा में हो रही है तो डिस्टल वाली साइड पे क्या प्रेजेंट होगा मेरिस्टमेटिक फेज उसके जस्ट बगल में इलांगेशन और उसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा मेच्युरेशन हमेशा बेटा प्लांट में ऐसा ही होता है ऊपर की साइड पे मेरिस्टम फिर नीचे इलांगेशन और फिर नीचे मेच्युरेशन अब नीचे वाली साइड देख लो रूट बेटा नीचे को ग्रो कर रही है रूट नीचे को ग्रो कर रही है तो रूट की टिप ये है दिस 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 इज 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 राम रूट एपिकल मेरिस्टम मेरिस्टम यानी कि इस केस में बेटा द फेज ऑफ टिश्यू और से अगला फेज कौन सा होता है फेज ऑफ इलोंगेशन ठीक है इलोंगेशन और इससे ऊपर वाला फेज कौन सा होता है ये प्रॉक्सिमल वाला कौन सा होगा फेज ऑफ मेच्यूरेशन फेज ऑफ मेच्यन तो अगर तुमसे पूछा जाए अगर तुमसे पूछा जाए वट इज प्रेजेंट वट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ रूट के बारे में बात कर रही हूं रूट के बारे में क्वेश्चन है वॉट इज प्रेजेंट एट द प्रोक्सिमल एंड ऑफ इलोंगेशन फेज बताओ क्वेश्चन है वट इज प्रेजेंट एट द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द इलोंगेशन फेज चलो रूट कर लो शूट कर लो दोनों सेम है वट इज प्रेजेंट विच इज दो इज प्रेजेंट एट द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द इलोंगेशन फेज यस yes, क्वेश्चन है बेटा आंसर देना है विच जोन इज प्रेजेंट एट द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फेज तो यार ये फेज है इसके प्रोक्सिमल एंड पर क्या है जोन ऑफ मेचुरेशन अगर तुमसे पूछ लेते विच जोन इज प्रेजेंट एट द डिस्टल एंड ऑफ द इलागेशन फेज डिस्टल एंड पे कौन सा है तो यार डिस्टल एंड पे देख लो इलांगेशन का डिस्टल पे मेरिस्टम इलोंगेशन के डिस्टल पे मेरिस्टम ठीक है जी तो आपको ये पता होना चाहिए अब एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना हुआ मैं दिखा देती हूँ एनसीईआरटी में सिर्फ रूट के विद रिस्पेक्ट बताया मैंने आपको शूट भी बता दिया बेटा रूट के विद रिस्पेक्ट तो यार ऐसा डायग्राम है ये पहले छोटा सा रूट था सीड था ठीक है जी ये सीड है देन बेटा ऐसे सीड ग्रो कर गया ठीक है जी यस देन आपको कुछ फेजेस के बारे में दिया हुआ है कि यार इसी से ऐसे ग्रोथ हुई है ना ए बी सी डी करके दिया हुआ है खोल लो पेज फटाफट से खोल लो देन ए बी देन थोड़े डिस्टेंस के बाद सी डी एंड देन ई एफ जी दिया हुआ ऐसा ई एफ जी बताओ ऐसा ही दिया हुआ हाँ खोल लिया तो अब बेटा इसमें से हमें डिस्टल फेजेस तीनों बताने हैं तो बता दे ये सिर्फ रूट है बेटा ऐसे मैंने शूट तो आपको पहले ही बना के दिखा दिया ये रूट है तो बता दे फटाफट से प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या है तो यार ए और बी कैसा एंड है ये ए और बी दूर है ए और बी सीड से सबसे ज्यादा दूर है तो यार ये कैसी चीज होगी पहले हम डिस्टल लिख लेते हैं इसको ये डिस्टल एंड है और ये वाला एंड जो है ये कैसा है प्रोक्सीमल ठीक है पहले ये बात होगी अब हम फेजेस के बारे में बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं फेजेस हां जी बेटा जो सबसे नीचे वाला फेज है यहीं पर आपकी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है एपेक्स मेरिस्टम प्रेजेंट होता है तो ये जो सबसे नीचे वाला फेज तुमको दिखाई दे रहा है दिस इज द जोन ऑफ मेरिस्टम ठीक है मेरिस्टमैटिक जोन है मेरिस्टम बेटा ध्यान कर लो फटाफट से डायग्राम देख लो और मेरिस्टम के जस्ट बगल में कौन सा फेज होता है इलोंगेशन जोन होता है इलांगेशन और उसके ऊपर वाली साइड कौन सा जोन होता है बेटा मेचुरेशन जोन होता है जोन ऑफ मेचुरेशन तो हमको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए चाहे वो प्रोक्सिमल डिस्टल पूछ लें चाहे वो हमसे बेटा जोन के बेसिस पे पूछ लें कि डिस्टल पे कौन सा जोन है प्रोक्सीमल पे कौन सा जोन है हम बता देंगे रूट में पूछेंगे तो भी बता देंगे शूट में पूछेंगे तो भी बता देंगे क्लियर क्लियर तो एनसीआर में जो ए बी सी डी दिया हुआ है देआर ए एंड बी डिपेक्ट द डिस्टल एंड दे द देमेटिक जोन देन सी एंड डी मिडल वाला है जोन ऑफ इलांगेशन और ई एफ जी जोन ऑफ मेच्योरेशन और एंड ओके चलिए तो हमारे दो टॉपिक्स हो चुके हैं आज अभी तक मैंने आपको क्या बताया ग्रोथ क्या होती है और मैंने आपको बताया फेजेस ऑफ ग्रोथ अगली चीज जो हमको करनी है वो करनी है ग्रोथ रेट कर ले बच्चों कर ले ग्रोथ रेट दो तरीके से ग्रोथ रेट कराऊंगी बेटा ज्यादा परेशान नहीं होना है ज्यादा परेशान नहीं होना है करना है अभी अभी की अभी करना है ठीक है थकना नहीं है मैम भूख लग रही है ये लग रही है वो लग रही है सेशन को लाइक करो बेटा एनर्जी मिलेगी मुझे भी और पानी पियो मैं पानी पीना भूल गई थी तुम भी पियो यस ऑन वी हैव टू कीप आर सेल्फ हाइड्रेटेड ग्रोथ रेट आपको ये तो नहीं पूछेगा ग्रोथ कितने बिक्री है ग्रोथ का रेट बता दो ग्रोथ के पैसे कितने हैं, नहीं बेटा ग्रोथ रेट क्या होता है इंक्रीज ऑफ ग्रोथ पर यूनिट टाइम उस टाइम गैप में कितना ग्रोथ हो रहा है सो इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम दो तरीके से बेटा ग्रोथ रेट मेजर होती है अरिथमेटिक ग्रोथ एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ पहले हम आज अभी स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक ग्रोथ बड़ा मजा आएगा बेटा इसको करने में अरिथमेटिक ग्रोथ ठीक है जी अरिथमेटिक ग्रोथ क्या है इसमें बेटा मान लीजिए ये तुम्हारे पास एक सेल है ठीक है ये तुम्हारे पास एक सेल है ठीक है जी मैंने ऐसा स्ट्राइप्ड वाला सेल बनाया इस एक सेल से बेटा दो सेल बनेंगे है ना इस एक सेल से दो सेल बने अब बेटा जब इससे दो सेल बने तो उसमें से जो एक सेल है सिर्फ वही आगे रहा दूसरा सेल ने आगे डिवाइड करना छोड़ दिया दिस दिस सेल सेल हैज हैज स्टॉप स्टॉप डिवाइडिंग 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 मतलब ये आगे डिवाइड नहीं कर रहा एक में से जो दो बने हैं दोनों में से सिर्फ एक ही आगे डिवाइड करेगा मतलब नेक्स्ट डिविजन वुड बी दिस वन वो वैसे का वैसे रहेगा ये वैसे का वैसे रहा और इसने बेटा दो हिस्से बना लिए फिर इसमें बेटा एक ही डिवाइड कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा फिर बेटा नेक्स्ट देखो ये वैसे का वैसे रहा ये वैसे का वैसे रहा और सिर्फ एक ही आगे डिवाइड कर रहा है यानी कि एक सेल से दो सेल बन रहे हैं जिसमें से वन हैज हाँ द हाँ पावर ऑफ डिविजन और एक सेल बेटा स्टॉप डिवाइडिंग कर रहा है यानी कि दो, दो डॉटर सेल में से देर आर टू डॉटर सेल इस केस में बने और इन दो डॉटर सेल में से ओनली वन रिमेन्स मेरिस्टमैटिक ओनली वन रिमेन्स Meristematic. Other gets differentiated. Other gets differentiated. ठीक है बात समझ आई मतलब इसमें ऐसा तो नहीं हो रहा कि दो एक से दो बने दो से चार बन रहे चार से आठ बन रहे ऐसा नहीं हो रहा यार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है ग्रोथ कांस्टेंट है हमें पता है कि इसमें से एक ही डिवाइड करेगा और एक रुक जाएगा फिर एक डिवाइड करेगा फिर एक रुक जाएगा यानी इस केस में जो ग्रोथ है वो बेटा एक्सपोनेंशियल नहीं है वो क्या है बेटा कॉन्स्टेंट ग्रोथ है कैसी ग्रोथ है कॉन्स्टेंट ग्रोथ है इसका जो ग्राफ बनेगा कॉन्स्टेंट ग्रोथ का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा लीनियर ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा ग्राफ बनेगा तो यार बना लेते हैं ठीक है जी यस yes. एक साइड पे आप क्या लेंगे टाइम लेंगे दूसरे साइड पे आपने क्या ले लिया लेंथ ले ली फॉर एग्जाम्पल लेंथ ठीक है एक साइड पे क्या लिया टाइम दूसरे साइड पे आपने क्या ले ली बेटा जी लेंथ ले ली अब यार अपने लोग स्टार्ट करते हैं कहां से स्टार्ट करेंगे यस वी विल स्टार्ट नॉट फ्रॉम जीरो टाइम वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर बेटा एक जगह से स्टार्ट करेंगे जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे कुछ तो बेटा लेंथ होगी है ना कुछ तो इनिशियल लेंथ होगी तो इनिशियल लेंथ से स्टार्ट करेंगे एंड द ग्राफ विल गो लाइक दिस ग्राफ विल गो लाइक दिस सो द इक्वेशन ऑफ दिस अरे आपकी अरिथमेटिक ग्रोथ की क्या इक्वेशन है इक्वेशन है बेटा एल ओहो ये कौन सी भाषा आ रही है वे एल टी एल टी इज लेंथ एट टाइम टी ये सारी बेटा आपको मिल जाएगी दिस इज लेंथ एट टाइम जीरो नहीं लेंगे इसको लेंगे इनिशियल लेंथ इनिशियल लेंथ याद रखना बेटा इसको कभी भी जीरो नहीं लिया जाएगा जीरो से ग्राफ स्टार्ट नहीं होगा आर क्या है ग्रोथ ग्रोथ रेट रेट नॉर्मल रिलेटिव नहीं है दिस इज जस्ट अ ग्रोथ रेट टी इज टाइम टी इज टाइम आप जानते हैं बेटा इतना आपने फिजिक्स में पढ़ा है ये जो इक्वेशन है ये कैसी है लीनियर ग्राफ की इक्वेशन है तो जो ग्राफ बना है वो कैसा बना है लीनियर ग्राफ बना है कैसा बना है लीनियर ग्राफ बना है लीनियर बना दिया यस अगर बेटा यही ग्राफ तुम्हें ऐसा बना हुआ दे दे क्या ये ग्राफ सही है इसको थोड़ा बेटर बना देती हूँ यस yes. क्या ये ग्राफ बेटा सही है इज दिस करेक्ट प्लीज चेक इधर आ जाती हूँ मैं हाँ जी क्या ये ग्राफ सही है बेटा पेपर में आ जाए किस तरीके से ग्राफ बन रहा है आपका अरिथमेटिक ग्रोथ का इज इट ट्रू और फॉल्स वाई इज इट फॉल्स Why Why is it false? Why is it it false? false? Because बेटा जीरो से स्टार्ट नहीं करना है कोई तो इनिशियल लेंथ होगी होगी ग्राफ कभी भी जीरो से चालू नहीं होगा ग्राफ बेटा थोड़ा सा ऊपर से चालू होगा अगर बेटा इसी ग्राफ को ये ऐसे बना देते तभी ये सही होता ध्यान से देखना है ग्राफ को जीरो से मत बनाने देना ठीक है जीरो से मत बनाने देना चलिए एग्जाम्पल ऑफ सच ग्रोथ वी सी दिस इन द रूट रूट इलांगेशन रूट एलोंगेट्स एट अ कॉन्स्टेंट रेट रूट बेटा इसी तरीके से एक कॉन्स्टेंट रेट पर ग्रो करती है ठीक है जी एग्जाम्पल इज रूट एलोंगेशन जी। फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रोथ रेट हमने कर लिया दिस इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक ग्रोथ रेट नेक्स्ट हम करते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट यानी कि अपने पास जियोमेट्रिक ग्रोथ अपने पास बेटा एक सेल है ठीक है जी ये मान लीजिए एक सेल है इस एक सेल से दो सेल बने बेटा दोनों ही आगे डिवाइड करेंगे इनमें से कोई भी स्टॉप नहीं कर रहा है अपनी डिविजन को ये फिर आगे डिवाइड करे दो से बेटा फिर से क्या बन गए चार एक से दो दो से बेटा चार है ना एक से दो दो से चार ठीक है जी यानी कि यहां पर जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट नहीं है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है कैसी एक्सपोनेंशियल क्योंकि बोथ द सेल दे रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड दोनों सेल डिवाइड कर रहे हैं सो हेयर बोथ डॉटर सेल बोथ डॉटर सेल रिटेन्स डिविजन एबिलिटी रिटेन्स डिविजन एबिलिटी ठीक है जी यस yes? तो ये कैसी ग्रोथ है बेटा जी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है जियोमेट्रिक ग्रोथ है इस ग्रोथ को आप कांस्टेंट ग्रोथ या लीनियर ग्रोथ नहीं बोल सकते तो यहां जो इक्वेशन आएगी वो कैसी आएगी जियोमेट्रिक ग्रोथ वाली इक्वेशन आएगी और ग्राफ भी इस टाइप का बनेगा ठीक है जी सो हेयर द इक्वेशन इज गोइंग टू बी वेट के केस में ले, ले लेते हैं सो एग्जाम्पल ऑफ द इक्वेशन दैट इज डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू वेट एट टाइम टी इज इक्वल टू W नॉट e टू द पावर आर टी तो ये कैसे इक्वेशन है ये बेटा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हुई आपने पढ़ा हुआ है इतना तो क्या है? डब्ल्यू yes, टी क्या है वेट एट टाइम टी वेट एट टाइम टी आपको बेटा कुछ भी आ सकता है आपको ये भी पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है लाइक डब्ल्यू नॉट क्या है डब्ल्यू टी क्या है डब्ल्यू नॉट क्या है टाइम जीरो पे नहीं है इनिशियल वेट है इनिशियल वेट है ठीक है जी यहां पर आर क्या है यहां पर आर इज नॉट द ग्रोथ रेट देखो यहां पर तो आर क्या लिया था ग्रोथ रेट लिया था यहां पर नहीं ले रहे हैं यहां पर इज रिलेटिव ग्रोथ रेट वेरी इंपॉर्टेंट आर इज रिलेटिव ग्रोथ रेट इसको बेटा एफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते हैं क्या बोलते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते हैं कि उस समय पर उस ग्रोथ के समय पर प्लांट में कितना मैटर ऐड हुआ दिस इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट ठीक है नॉट द नॉर्मल ग्रोथ रेट रिलेटिव इक्वेशन आती है और जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं बनता है ग्राफ सिग्मोइड बनता, बनता है क्या बनता है बेटा सिग्मॉइड। तो लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ठीक है जी सो so शेप कैसी बनेगी शेप बनेगी इस तरीके से यस yes, दिख रहा है हो हो जा भैया मत हाँ जी ओके जी तो एक साइड पे मैं क्या ले रही हूँ ले अब यार ये जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ का ग्राफ बनता है इसमें कितने फेजेज आते हैं बेटा चार फेजेज आते हैं हाउ मेनी फेजेज आर देयर फोर फेजेस आर देयर तो फेज नंबर वन इज दिस फेज जहां पर अभी बढ़ना स्टार्ट ही हुआ है जैसे बेटा एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं एग्जाम्पल ले लिया हम लोग बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं लैब में बैक्टीरिया को बेटा लैब में ग्रो करते हैं कैसे ग्रो करते हैं मीडियम देके यानी कि जब बैक्टीरिया डिवाइड करना शुरू करते हैं तो वो यार एक्सपोनेंशियली डिवाइड करते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ शो करते हैं तो इनिशियली जब अभी स्टार्टिंग ही हो रही है स्टार्टिंग ही हो रही है तब बेटा उतनी ग्रोथ नहीं होती है जस्ट अभी स्टार्टिंग ही हो रही है दिस स्टार्ट फेज इज कॉल्ड एज लैग फेज इसको क्या बोलते हैं लैग अभी बेटा उसने अच्छे से मीडियम यूज करना शुरू नहीं किया अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है फिर बेटा इतने सारे मीडियम को वो अचानक से कंज्यूम करना शुरू कर देगा और डिवाइड करना शुरू कर देगा यानी कि अब वो एक्सेलरेशन स्पीड पकड़ रहा है डिवाइड करने की so, लॉग फेज मतलब इस इसका और क्या नाम है एक्सेलरेशन फेज एक्सेलरेशन फेज मतलब इस समय पर मैक्सिमम ग्रोथ देखी जाती है इस समय पर क्या हो रहा है मैक्सिमम ग्रोथ देखी जा रही है कैसे रिसोर्सेस को यूज करके यूजिंग द रिसोर्सेस जितना भी रिसोर्सेज इस केस केस में क्या है बैक्टीरिया के केस में मीडियम है ठीक है जी जो न्यूट्रिय मीडियम डाला आप. अब यार होना तो चाहिए था कि ग्राफ सीधा जाता है ना होना तो क्या चाहिए था कि ग्राफ बिल्कुल सीधा चला जाता ग्रोथ होती जाती होती जाती एक्सपोनेंशियली बट ऐसा नहीं होता बीच में बेटा ये ग्राफ सीधा जाने की जगह मुड़ जाता है मतलब एक थोड़ा सा डिक्लाइन आया क्या आया एक थोड़ा सा डिक्लाइन आया दिस इज कॉल्ड एज डिक्लाइनिंग फेज दिस इज कॉल्ड डिक्लाइनिंग एजलाइनिंग छोटा सा बेटा आया जाना इसको सीधा चाहिए था पर ये मुड़ गया को बेटा भी बोलते भी बोलते ऐसा क्यों हुआ क्योंकि यार न्यूट्रिएंट लिमिटेड है, है. So यहां पर, growth rate. Growth rate थोड़ा कम हुआ बिकॉज ऑफ यूजेज ऑफ रिसोर्सेज यूजेज ऑफ न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट खत्म हो गए न्यूट्रिएंट खत्म हो गए जब बेटा एक बार न्यूट्रिएंट खत्म हो गए तो अल्टीमेटली अब एक स्टेशनरी फेज आ जाएगा अब कैसा फेज आ जाएगा ये वाला दिस फेज इज कॉल्ड एज द स्टेशनरी फेज लास्ट फेज कौन सा है स्टेशनरी फेज है इसको एसिम्प्टोट भी बोलते हैं मैं भी हट जाती हूँ बेटा सब दिखाई देगा इसमें सारे न्यूट्रिय खत्म ऑल न्यूट्रिय यूज अप रुक गया बेटा ग्रोथ

क्लियर <coughs> है यस yes, सबको सारी सारे पता चल गए तो एग्जाम्पल ऑफ दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सच ग्रोथ एक तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दी है दैट इज बैक्टीरिया की एग्जाम्पल जब बैक्टीरिया को न्यूट्रिय मीडियम में ग्रो करते हैं तो ऐसा ही होता है सो एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया इन अ कल्चर मीडियम और बेटा जब एम्ब्रियो बनता है जाइगॉट से जब एम्ब्रियो बनता है इनिशियली सो फॉर्मेशन ऑफ जाइगॉट टू एम्ब्रियो इनिशियली बेटा इनिशियली हमने एक सेल से पूरा गुच्छा होता है तो यार यही वाली ग्रोथ कराते हैं हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ ही कराते हैं Then, बेटा, next one is, प्लांट के अंदर जो टिश्यू और ऑर्गन इन प्लांट और ऑर्गन इन प्लांट तो प्लांट के अंदर भी जो साइज इंक्रीज होता है वो इसी की वजह से ही होता है ठीक है जी

एक जायगोट से जब अपने को बनाना होता है एम्ब्रियो तो कैसी ग्रोथ होती है सवाल आ सकते हैं मैं NCRT कुछ सवाल करा रही हूं. क्या करा रही हूं? के सवाल करा 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 रही 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 क्या के तो यार एक जब सिंगल जायगोट से हम लोग गुच्छा ऑफ सेल बनाने की कोशिश करते हैं तो इनिशियली इनिशियली याद रखना है इनिशियल ग्रोथ कैसी होती है जियोमेट्रिक ठीक है फटाफट से गुच्छा बनाते जाएंगे एक सेल से दो दो से चार चार से आठ ठीक है बट लेटर ऑन बेटा वो सेल अपना फंक्शन डिसाइड करना शुरू कर देंगे मैं हार्ट बनूंगा मैं लिवर बनूंगा मैं आंखें बनूंगा मैं नर्वस सिस्टम बनूंगा यानी कि लेटर ऑन लेटर ऑन बेटा उसमें से कुछ डिवाइड करेंगे कुछ अपने स्पेसिफाई होते जाएंगे लेटर ऑन बेटा वो कैसी ग्रोथ करेंगे अरिथमेटिक ग्रोथ करेंगे तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का इस पे सवाल आ सकता है कि एम्ब्रियो की ग्रोथ कैसी है आपको याद रखना है इनिशियल ग्रोथ इज ज्योमेट्रिक लेटर ऑन द ग्रोथ बिकम्स अरिथमेटिक बिकॉज धीरे धीरे उनका फंक्शन स्पेसिफाई होने लग जाता है अब एक सवाल बेटा मेरा आपसे या एनसीआरटी ही आपसे पूछती है कि आप जानते हैं यार एक ट्री है ट्री बेटा हर सीजन में अलग टाइप का ग्रो करता है, है ना डिफरेंट सीजन में ट्री का बिहेवियर अलग होता है बेटा जब बड़ी बारिशें हैं तो ट्री पूरा हरा भरा दिखाई दे रहा है फिर उसके बाद स्प्रिंग सीजन आया पतझड़ हो गया ट्री थोड़ा सा बेचारा ढीला पड़ गया फिर दोबारा एक प्रॉपर सीजन आया जिसमें ग्रो किया क्या बेटा ये जो सीजन के हिसाब से प्लांट के साइज में चेंजेस आ रहे हैं डू दे फॉलो दिग्मोइड कर्व क्या ये एक तरीके की अरिथमेटिक ग्रोथ है कि सीजन के हिसाब से बेटा चेंज आ रहे हैं कि पहले यू you नो know, बारिशें थी तो एक्सेलरेशन फेज चल रहा है फिर बेटा जब पतझड़ आया तो डिक्लाइनिंग फेज हो गया उसके बाद स्टेशनरी फेज हो गया डू दे फॉलो सिग्मोइड कर्व सीजन के हिसाब से बेटा क्या ये सिग्मोड कर्व ही चल रहा है बताओ क्वेश्चन समझ आया एनसीआरटी का क्वेश्चन है ये एनसीआरटी का क्वेश्चन है डू दे फॉलो कर्व हां जी गलत जवाब दे डू नॉट फॉलो सिग्मॉइड कर्व बेटा ये जो प्लांट में सीजन के हिसाब से चेंज आ रहे हैं ग्रोथ है ही नहीं सिग्मॉइड कर्व करने का क्या मतलब हुआ कि यार ग्रोथ करना ये जो सीजन के हिसाब से हो रहा है कि अब पतझड़ आ रहा है ये है है नहीं ये नहीं है, ये ये सिग्मोइड कर्व ग्रोथ नहीं हो रही है. ये तो सिंपली क्या है सीजन के हिसाब से वेरिएशन है और कुछ नहीं है ये ग्रोथ नहीं है प्लांट के केस में दिस इज नॉट ग्रोथ दीज आर जस्ट सीजनल वेरिएशन तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए और इस एक क्वेश्चन को ढूंढिए और फिर इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है राइट right? मैंने आपको आंसर बता दिया जरा बताओ बेटा सेशन को लाइक करके क्या इतना सबको समझ आ गया क्या इतना सबको समझ आ गया बताना जरा हाँ जी इज दिस क्लियर ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगी यस फटाफट पड़ से सेशन को लाइक करके बता दो यार टाइम नहीं लगाना है टाइम नहीं लगाना है और आपके लिए बेटा एक बहुत बड़ा सरप्राइज द सरप्राइज इज आई विद मी विद मैनी अदर टॉप एजुकेटर्स ऑफ अन अकेडमी हम लोग एक ऐसा बैच लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको हर टीचर का अपना बेस्ट मिलने वाला है बैच का नाम है ऑल स्टार बैच इससे आगे बेटा मैं कल कराऊंगी प्लांट ग्रोथ है, ऐसा नहीं है खत्म हो गया ठीक है अब बेटा आपके सामने बैच आ रहा है आपके सामने बेस्ट एजुकेटर्स हैं ठीक है थीके? सब लोग मिलके आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट कराएंगे ऑल स्टार बैच स्टार्ट हो रहा है ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ नवंबर में सबसे पढ़ना चाहते हो है ना कुछ हो, चीजें होती है कुछ बच्चे होते हैं मुझे सबसे पढ़ना है तो यार तुम्हारे पास यहाँ ऑप्शन है सबसे पढ़ने का तुम्हारे पास फिजिक्स में बेस्ट एजुकेटर्स है बायोलॉजी में है केमिस्ट्री में है तो बेटा एनरोल कर लो सब लोग कोड लगा के सी प्लाइ और अभी बेस्ट टाइम इसीलिए है क्योंकि यार मेरी मेंटोरशिप के साथ साथ तुम्हें सिक्स प्लस वन का ऑफर भी मिल रहा है सिक्स सब्सक्रिप्शन पर वन मंथ का फ्री ऑफ कॉस्ट क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि नीट छह महीने में हो जाएगा हो सकता है सात महीने में हो तो सिक्स प्लस वन का ऑफर चल रहा है लिमिटेड समय के लिए ही बेटा ऑफर है ठीक है दिस इज दॉब लिमिटेड क्या बेटा आज लास्ट डे ठीक है लास्ट डे लास टू अवेल द ऑफर इस ऑफर को अवेल करने के लिए अगेन कोड क्या लगाना है सी प्लाइव और मुझे बता देना है बेटा आप लोग आ जाएंगे गाइडेंस में और सब बच्चों से पढ़ सकते हैं ठीक है जी? तो ये बात होगी बेटा बैच की साथ ही में अन अकेडमी के सेंटर्स में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं ऑफलाइन तो आप अपनी सीट को प्री बुक कर सकते हैं नाइनटी नाइन रुपीज में कोड लगाएंगे बेटा जी सीप लाइफ ठीक है जी मान लीजिए फ्यूचर में एडमिशन लेना है अभी नहीं लेना है तो प्री बुक कर लो इंदौर में बेटा रहते हैं तो वहां पर का, का सेंटर ऑलरेडी ओपन हो चुका है तो यार आ जाना एक चीज और बतानी थी कि यार अगर आप रैंकर्स बैच में एनरोल करना चाहते हैं जो कि एक ऑफलाइन बैच है दिस इज द चार्जेस आप वहां पर इस अमेजिंग टीम से भी पढ़ सकते हैं आपकी चॉइस है बेटा आपको जहां से पढ़ना है कोड आप वहां पर भी लगा देना सीप लाइफ तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का बेनिफिट तुम्हें मिल जाएगा साथ ही में साथ ही में बेटा कॉम्पीट इज नाउ लाइव बहुत सारे मैचेस हो चुके हैं ढाई लाख मैचेस तकरीबन हो चुके हैं ये क्या है हमारी ऐप पर जब आप आओगे तो बच्चे आपस में कंपीट कर सकते हैं यू कैन चैलेंज फ्रेंड्स जैसे मान लो तुम्हारा

कि आपको कैसा लगा ये आपके जूनियर्स को हेल्प करता है नए बच्चे आने वालों को हेल्प करता है कि यार वो सेशन पे एक घंटा लगाएं भी या फिर ना लगाएं ठीक है जी चलिए मैं आपको मिलूंगी कल की क्लास में कल भी क्लास सेम टाइम होगी एवरी वन टेक केयर एंड बाय और इतना पढ़ के आना एनसीआरटी से बेटा इतना पढ़ के आइएगा ऐसे मत आइएगा ठीक है चलो बाय